तो चलो ओके दीक्षा, तो फर्स्ट देखते हैं हम फोर्थ चैप्टर, क्या नाम है फोर्थ चैप्टर का, एनिमल किंगडम। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो देखते जाओ और चीजें देख, आप बाद में मोस्ट प्रोबेबली, देखो जिसने कर लिया उसका बहुत बढ़िया है कि उसकी सारी तैयारी हो चुकी है, उसे सिर्फ रिवाइज करना है भाई। जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसको चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग जाए कहीं से, ठीक है ना। तो आप क्या करना, इन क्वेश्चंस को पहले देख लेना, अब तो टाइम ही लिमिटेड है, बस कल का दिन बचा है, तो पहले इनको देख लेना क्वेश्चंस को, और बाकी टाइम बचा तो आप वो सब देख लेना जो आपको लगता है, ठीक है। तो व्हाट इज मीजोगिलिया, मीजोगिलिया और उसके बाद ये कहाँ मिलती है, ठीक है। तो मीजोगिलिया के अगर आता है डेफिनेशन तो आप क्या लिखोगे, मीजोगिलिया इज ट्रांसलूडेंट जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है। जेली लाइक सब्सटेंस है जो किसमें मिलेगा, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन से थे, जिनमें सिर्फ दो लेयर्स होती है, डिप्लोब्लास्टिक जिनमें सिर्फ टू जर्मिनल लेयर्स आर देयर, ठीक है। टू जर्मिनल लेयर कौन कौन सी होंगी बताओ, कौन सी होंगी, कौन सी मिसिंग, अच्छा ये बताओ। दो जर्मिनल लेयर होंगी ना, और मोस्ट प्रोबेबल कितनी होती है यूनिसेल्यूलर में, हमारे अंदर है तीन, ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, कौन सी मिसिंग होगी। हाँ गुड गुड सोहन, ठीक है। तो मीजोडर्म इज मिसिंग, कौन कौन सी बची, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। तो अब ये डिप्लोब्लास्टिक है तो सिर्फ दो ही लेयर है, यहाँ लिखा है देखो, ओनली टू ट्रू लेयर्स आर देयर, कौन कौन सी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। लेकिन इन दोनों के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस की लेयर है, उसको हम बोल रहे हैं मीजोग्लिया। ये दिए देखो, ये जो ग्रीन से यहाँ बनी हुई है ये क्या है, ये है मीजोग्लिया, ठीक है। ये किसमें होगी, सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक में, ठीक है। किसके बीच में लाई करेगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, ठीक है। और फिर कोई पूछे ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, एनिमल किंगडम में मैंने कल भी बताया था कि जो भी आपके इसमें एग्जाम्पल्स आ सकता है किसी भी चीज में कोट कर सकते हो, जैसे बैक्टीरिया का कोई क्वेश्चन है या फंगस का था, या इसमें एनिमल किंगडम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें एग्जाम्पल जरूर लिखना, ठीक है। जैसे इसका क्या एग्जाम्पल है, किसमें होगा, निडारियंस और स्पॉन्जेस में, ठीक है। इनमें दो लेयर होती है, डिप्लोब्लास्टिक है ये दोनों, तो ये आप इसमें एग्जाम्पल के टाइप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। क्या लिखा है, लशिका, लविशा, क्या नाम है, लकीशा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसका, किसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम, एम्ब्रियो का, ये जो न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है। तो ये जो एम्ब्रियो है या जाइगोट से जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कैसा डेवलपमेंट हो गया। डेवलपमेंट दो तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। ये पूछ रहे हैं यहाँ पे कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से क्या मतलब है, किसी लाइफ साइकिल, व्हेन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स अ लार्वल स्टेज। जब किसी ऑर्गेनिज्म में, एनिमल किंगडम में आपने सारे किंगडम्स देखे हैं, फाइलम्स देखे हैं, तो उसमें क्या देखा है कि किसी किसी फाइलम में क्या है, एक लार्वल स्टेज होती है, ठीक है। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स है, लोअर एनिमल किंगडम के फाइलम है, उनमें क्या होगा, एक लार्वा स्टेज मिलेगा, और उसके बाद वो लार्वा फिर से चेंज होके एडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो जिनमें ये लार्वल स्टेज होती है उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्यों क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो लार्वा होता है ये बिल्कुल डिफरेंट होता है एडल्ट से, ठीक है। अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए या एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, उनमें क्या है, उनमें जैसा एडल्ट होता है देखने में, वैसे ही क्या होगा, सिर्फ न्यू बॉर्न होगा या न्यू ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता ना। तो लेकिन इनमें जो लार्वल स्टेजेस होती है ये बिल्कुल डिफरेंट होती है एडल्ट से, तो इस टाइप के डेवलपमेंट को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। हाँ ठीक है, इनडायरेक्ट में होती है लार्वल स्टेजेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास एम्फीबिया और क्लास रेप्टेलिया, ठीक है। एम्फीबिया और रेप्टेलिया, ठीक है। पहली बात तो ये दोनों किसमें आएंगे, किसमें आएंगे दोनों, कौन से फाइलम में आएंगे, क्लास लिखा है ना, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्लासेस है ये, तो दोनों क्लासेस किसमें आएंगी। लार्वा स्टेज का मतलब यही है कि जैसे भाई अभी किसी ने लिखा, आप जैसे उसको देख लो, स्पॉन्जेस की बात कर लो, ठीक है। इनमें क्या होगा, स्पॉन्ज तो अलग कैटेगरी का होगा, ऐसा कुछ होगा जैसे भी, ठीक है। या आप हाइड्रा की बात कर लो, तो उनमें क्या होता है,
जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जैसा एडल्ट दिखता है, जो उसका न्यू ऑर्गेनिज्म होगा वो एडल्ट की तरह नहीं होता देखने में, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो उसको बोल देते हैं लार्वा। ठीक है, जैसे मॉस्किटो में हम बोलते हैं लार्वा, मॉस्किटो का लार्वा। ठीक है, तो लार्वा क्या है, न्यू ऑर्गेनिज्म है जो बिल्कुल जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म है उससे डिफरेंट होगा देखने में। ठीक है, ये होता है लार्वा, और इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब किसी ने लिखा है हाँ कॉर्डेटा, तो ये दोनों क्लास किस में आएंगी, फाइलम कॉर्डेटा में। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। पहली चीज तो यही होगी कि स्किन कैसी है इनकी, स्मूद है। ठीक है, एम्फीबियंस की स्किन कैसी होती है, स्मूद और स्टिकी, हाईली पोरस होती है, हमेशा कैसी रहेगी, चिकनी चिकनी सी, मॉइस्ट रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो उनकी स्किन कैसी होती है, वाटर प्रूफ होती है। ठीक है, अभी स्किन के रेफरेंस में ही बताना है बस, बाकी नहीं बताना। ठीक है, स्किन के रेफरेंस में दोनों में क्या डिफरेंस, तो एम्फीबियंस की स्किन या फ्रॉग की आप बोलो तो स्मूथ होगी, स्टिकी होगी, पोरस होगी, और रेप्टाइल्स की बात करें तो ड्राई स्किन होती है। ठीक है, स्केल से कवर्ड होती है, केराटिन से कवर्ड होती है, हार्ड होगी, वाटर प्रूफ होगी, इनकी क्या होगी, वाटर को क्या करेगी, वाटर इनके ऊपर रहेगा, मॉइस्ट रहेगी हमेशा। लेकिन इनकी अगर रेप्टाइल्स की बात करें, लिजर्ड्स की बात करें या क्रोकोडाइल की आप बात करो तो कैसी होगी, इनकी स्किन वाटर प्रूफ होती है, पूरी ड्राई होती है। ठीक है, केराटिन एक सब्सटेंस है, जैसे क्यूटिकल होता है सरफेस पे, क्यूटिकल क्या है, एक सब्सटेंस है जो कोटिंग प्रोवाइड करता है, केराटिन भी उसी टाइप का एक सब्सटेंस है जो हमारी स्किन पे भी होता है। ठीक है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, केराटिन इज ऑल्सो अ सब्सटेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑर्गन हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, किस किस में बताना है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताना है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन सबका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या होगा ऑर्थोपोड्स का, ऑर्थोपोड्स में क्या आते हैं पहले तो यही बताओ, ऑर्थोपोड्स का देखो यहाँ लिखा है क्या होगा, मेल्फीजियन टिब्यूल्स। ठीक है, और हेमिकॉर्डेट्स का क्या होगा, प्रोबोसिस ग्लैंड। ठीक है, इन दोनों के आपको क्या याद रखना है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ऑर्थोपोड्स में क्या क्या आता है, क्या आएगा इसमें, और हेमिकॉर्डेट्स में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, आगे बढ़ना है ना। ऑर्थोपोड्स में कौन सा आता है, ऑर्थोपोड्स देखे तो क्या है, सबसे बड़ा क्या है, फाइलम है ना, उसमें क्या है, सबसे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं। और अगर हम देखे कि जितनी भी स्पीशीज हैं अर्थ पर, उनमें सबसे ज्यादा स्पीशीज किसकी है, इंसेक्ट्स की है। ठीक है ना, और हेमिकॉर्डेट्स में क्या आते हैं, हेमिकॉर्ड, हाँ ऑर्थोपोड्स में आएगा कॉकरोच एंड ऑल, और हेमिकॉर्डेट्स में क्या आता है, बेलेनोग्लॉसस। ठीक है ना, ये कहते हैं प्रिमिटिव थे कॉर्डेट्स के। ठीक है, एरियल मोड ऑफ लाइफ की भी बात करेंगे, युक्ति पेशेंस देखो, अभी आप अभी सब मिलेगा आगे। ठीक है, यही क्वेश्चन आगे दिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है, सही लिखा है कृष्णा, बेलेनोग्लॉसस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिसके भी दिए हुए हैं, मेन इनके हैं दोनों के, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन पोइकिलोथर्मिक एंड होमियोथर्मिक एनिमल्स, ये क्या होते हैं, पोइकिलोथर्मिक क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, ऐसे फीचर फीचर वाले क्वेश्चन तो शायद नहीं आए कि इसका फीचर उसका फीचर, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत सारे हैं। ठीक है ना, पोइकिलोथर्मिक क्या होंगे, जो क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, द एनिमल्स विच चेंज बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है एनवायरमेंट की, बाहर ठंडा है तो हम भी उसी हिसाब से अपनी बॉडी को एडजस्ट कर ले, नहीं ऐसा नहीं होता, बिकॉज वी आर होमियोथर्मिक। ठीक है, जिनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, चाहे एनवायरमेंट में कैसा भी टेम्परेचर हो, ठंड हो या गर्म हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल चेंजेस, तो वो होते हैं होमियोथर्मिक। ठीक है, पोइकिलोथर्मिक को क्या बोल देते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, एग्जाम्पल, अब यहाँ एग्जाम्पल जरूर लिखने हैं, फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। ठीक है, और अगर हम वार्म ब्लडेड की बात करें तो ऑल द मैमल्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है ना, एग्जाम्पल सबका एक एक तो याद कर ही लेना। ठीक है, दो दो भले ही मत करना, एक एक एग्जाम्पल सबका याद कर लेना। चलो उसके बाद देखते हैं, डिफाइन मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस क्या है, और साथ में क्या देना है, एग्जाम्पल भी देना है। ठीक है, जिसमें देना है उसमें तो देना ही है, जिसमें एग्जाम्पल नहीं लिखा है उसमें भी देना। ठीक है ना,
मेटाजेनेसिस को क्या बोलते हैं, फिनोमिना ऑफ, अब देखो यहाँ आ गया ना ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये हमने प्लांट्स में भी पढ़ा था, प्लांट्स में पढ़ा था ना ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, की भाई एक गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट से क्या कन्वर्ट होता है स्पोरोफाइट, यही था ना ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, ऐसे यहाँ पे है। इस केस में क्या बोलते हैं मेटाजेनेसिस, किस में मिलेगा ये निडारियंस में, क्योंकि उनमें क्या है उनमें दो फॉर्म्स हैं, हाँ सीलेंट्रेटा, ठीक है किस में मिलेगा निडारियंस में, जिनको हम क्या बोलेंगे दो फॉर्म्स प्रेजेंट है एडल्ट बॉडी की, पॉलिप और मेडूसा, ठीक है पॉलिप और मेडूसा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट है और पोइकिलोथर्म्स वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है पॉलिप और मेडूसा दो फॉर्म हो गई, जैसे देखो यहां बनी है ये, ठीक है ये कैसी हो गई, ये मेडूसा फॉर्म हो गई, ये कैसी होती है फ्री स्विमिंग, ये जो इसके ये स्ट्रक्चर से दिख रहे हैं आपको, इसके थ्रू क्या कर सकती है स्विमिंग कर सकती है, जैसे कि जेली फिश, इसका एग्जाम्पल क्या है जेली फिश, उसका नाम है ऑरेलिया, ये कैसा होता है फ्री लिविंग फॉर्म है, मेडूसा इज फ्री लिविंग फॉर्म, ठीक है। दूसरा फॉर्म क्या है पॉलिप, पॉलिप होता है फिक्स्ड सेसाइल, ये फिक्स रहेगा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रा, ठीक है, और हाइड्रा का दूसरा नेम क्या है एडेम्सिया, जिसको आप ऐसे करके बना देते हैं ना हाइड्रा को ऐसा कुछ, तो ये सेसाइल है, और मेडूसा कौन सा फॉर्म है फ्री लिविंग फॉर्म है, ठीक है। पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडूसा एसेक्सुअली, ठीक है अगर पॉलिप से मेडूसा क्रिएट होना है तो वो कैसा होगा थ्रू एसेक्सुअल मोड, ठीक है, लेकिन मेडूसा से अगर पॉलिप क्रिएट होना है, दोनों फॉर्म है ना और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, तो क्या होगा एक दूसरे से ये कन्वर्ट हो सकते हैं बन सकते हैं, तो अगर ऐसा होगा तो किस मोड से होगा सेक्सुअली, ठीक है दोनों चीजें आपको ये याद रखनी है और एग्जाम्पल इसका याद रखना, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं जो एक क्वेश्चन आप कोई पूछ रहा था ना, व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ एरियल मोड ऑफ लाइफ, ठीक है तो एरियल मोड में कौन आता है, क्लास आती है एव्स, एव्स में क्या आती है हमारी बर्ड्स, ठीक है बर्ड्स आती है ना एव्स में सारी, ठीक है उनके क्या क्या फीचर्स है देखो, फर्स्ट फीचर क्या है कि जिसकी वजह से वो फ्लाई कर पा रही है, और कोई ऑर्गेनिज्म तो नहीं कर पा रहा ना फ्लाई, लेकिन बर्ड्स में क्या स्पेशल फीचर है जिसकी वजह से वो फ्लाई कर रही है, पहली बात एंटीरियर लिम्ब, जो आगे की जैसे हमारे तो हाथ हैं तो इनके एंटीरियर लिम्ब किस में ट्रांसफॉर्म हो गए, विंग्स में ट्रांसफॉर्म हो गए, ठीक है और विंग्स में भी क्या है मसल्स आर देयर, पेक्टोरल मसल्स आर देयर, ऐसा नहीं है कि विंग्स में कुछ नहीं है, विंग्स में क्या है मसल्स है जिसकी हेल्प से क्या है वो उड़ पा रही है, ठीक है। दूसरी बात उड़ने के लिए क्या चाहिए, उसकी बॉडी लाइट वेट होनी चाहिए, जब चीज कोई हल्की होगी तभी वो उड़ पाएगी, तो क्या है लाइट वेट बोन्स है, ठीक है। दूसरी बात इंटरनल स्पेसेस जो है बोन्स के वो भी एयर से फिल्ड है, और ऐसी बोन्स को हम बोलते हैं न्यूमैटिक बोन्स, ठीक है पहला पॉइंट हो गया विंग्स का, सेकेंड हो गया न्यूमैटिक बोन्स, न्यूमैटिक का मतलब है जो उनकी लॉन्ग बोन्स है, कुछ बोन्स जो शॉर्ट बोन्स है छोटी छोटी वो तो एज इट इज है जैसे होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जो लॉन्ग बोन्स है उनमें क्या है कैविटी है, अंदर फिल्ड नहीं है वो सॉलिड नहीं है, उनमें कैविटी है और उस कैविटी में क्या है एयर फिल्ड है जिसकी वो लाइट वेट हो जाती है, और उन बोन्स को बोलते हैं न्यूमैटिक बोन्स, तो इससे उन्हें क्या मिलता है हेल्प मिलती है उड़ने में, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये हो गया कि उनके अंदर कॉलन ब्लैडर ये सब नहीं है, जिसमें क्या होता है भाई कॉलन और ब्लैडर में क्या होगा फीसेस और यूरिन स्टोर होते हैं ना, अब स्टोरेज होगी वाटर का स्टोरेज होगा, फीसेस का स्टोरेज, एक्सटर्नल वेस्ट का स्टोरेज होगा, तो क्या होगा हॉलो बोन भी लिख सकते हैं, अगर याद रखने के लिए क्या लिख लो, हाँ हॉलो बोन्स लिख दो, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे क्या होगा अगर यूरिन वाटर और एक्सक्रीटरी मटेरियल स्टोर होगा तो भी वेट बढ़ जाएगा, ठीक है ना, तो इस चीज को भी खत्म कर गया, ये एक अडेप्टेशन हो गया, इनमें ऐसा कुछ भी स्टोरेज नहीं है क्योंकि इनका एक्सक्रीशन क्या होता है हाईली कंसंट्रेटेड, जिसको क्या होता है यूरिक एसिड में होता है, जिसमें क्या होता है लीस्ट वाटर और लीस्ट स्टोरेज स्पेस चाहिए होता है, ठीक है, तो ये भी चीज खत्म हो गई। फोर्थ पॉइंट है जो लास्ट है, इनकी बॉडी और लंग्स इस तरीके से डेवलप्ड है कि वो एरोडायनेमिक शेप है, ठीक है, जैसे एरोप्लेन को हम बोलते हैं क्या है एरोडायनेमिक, जिससे वो हवा में उड़ने में हेल्प करे उसकी बॉडी, और लंग्स के अंदर भी स्पेशल एयर सैक्स हैं, उसमें क्या होता है एयर और ज्यादा फिल होगी तो वो क्या होगा वो लाइट वेट होगी और आराम से उड़ सकती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ही तो बोला, इससे ज्यादा और क्या, अब एक ही वर्ड थोड़ी देखो इंपॉर्टेंट ही तो है, ऐसे लिख लो इसको तुम शॉर्ट में एंटीरियर लिम्स इनटू विंग्स, इससे ज्यादा और शॉर्ट क्या करोगे, फिर तो क्वेश्चन ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना,
इतना मत याद करो, एंटीरियर लिम्स ट्रांसफॉर्म इनटू विंग्स, ठीक है, हैव न्यूमेटिक बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स क्या है, हॉलो बोन्स है, नो एक्सक्रीशन ऑफ ब्लैडर और यू, ऐसे लिख लो, यूरिन नहीं बनता, यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो रहा, एक्सक्रीशन क्या है, यूरिक एसिड है, ठीक है ना, इससे ज्यादा शॉर्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलो ऑस्टियोपोरोसिस यहां कैसे आ गया युक्ति, या आगे पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। चलो फिर देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, सीलोम का क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो इसमें मुश्किल से 10 या 12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें भी मैंने जो इंपॉर्टेंट है उस पे इंपॉर्टेंट लिख दिया, तो जिसको कुछ नहीं पता, समझ नहीं आ रहा, वो वही वाले क्वेश्चन देख लो बस, ठीक है ना। चलो सीलोम का क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है किसमें, एनिमल किंगडम में, उसमें एक क्राइटेरिया क्या है, सीलोम भी है, ठीक है। पहली बात, सीलोम होता क्या है, सीलोम क्या है, बॉडी कैविटी है जो किससे लाइन है, मीजोडर्म से, ठीक है। ये एरिया है बीच में बॉडी वॉल, जैसे ये बॉडी वॉल हो गई और ये गट वॉल हो गई, ठीक है, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो एरिया है उसको हम सीलोम बोलते हैं, बॉडी वॉल और ये हो गई गट वॉल, तो इसके बीच में जो एरिया है वो उसको हम बोलते हैं सीलोम। और ये किससे लाइंड होता है, लाइंड मतलब इस पे एक कवरिंग होगी, किसकी, मीजोडर्म की, मीजोडर्म की, ठीक है। लेकिन ये सभी ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती, तो इसी के हिसाब से कि किसी में है या किसी में नहीं है या किसी में थोड़ी बहुत है, उसके बेसिस पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, एनिमल्स हैं कि सीलोम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उस बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई करा है 3 कैटेगरीज में, ठीक है। फर्स्ट क्या है, सीलोमेट, सीलोमेट हम उन्हें बोल रहे हैं जिन एनिमल्स के अंदर पूरी ऐसी जैसे हमने बनाई है बॉडी कैविटी है और किससे लाइंड है, मीजोडर्म से, ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम सीलोमेट। कौन कौन से आएंगे इसमें, जो भी एनलिडा से स्टार्ट होके कॉर्डेटा तक, जो भी हायर हम बोल रहे हैं, एनलिडा, मलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और लास्ट में कॉर्डेटा, सारे आ गए ना सीक्वेंस में, तो ये सब क्या है, सीलोमेट्स, ठीक है। एनलिडा से पहले क्या आ जाएगा, एस्केलमेंथीज, इसमें क्या है, इसमें हाफ है, ट्रू नहीं है, ट्रू सीलोम इज एब्सेंट, इसमें हम बोल सकते हैं फॉल्स सीलोम इज देयर, तो फॉल्स का क्या मतलब होता है, सूडो, तो ये कैसे है? ये सूडो सीलोमेट है, इनमें क्या है, थोड़े, अब हमने यहाँ बनाया था ना कि मीजोडर्म की लाइन होगी लेकिन ट्रू नहीं है, पूरी में कवर नहीं है, क्या है, थोड़े थोड़े पैचेस प्रेजेंट है, ठीक है, पैचेस आर देयर, हाँ, तो इनको बोलते हैं सूडो सीलोमेट, फॉल्स सीलोम है, ना तो पूरी तरह एब्सेंट है ना पूरी तरह प्रेजेंट है, तो इसका क्या एग्जाम्पल है, एस्केलमिंथीज, ठीक है, कैसे प्रेजेंट है, स्कैटर्ड वे में। लास्ट है हमारा ए सीलोमेट, ए मतलब विदाउट सीलोमेट, विदाउट सीलोम, जिनके अंदर पूरी तरीके से क्या है, एब्सेंट है, और इसका एग्जाम्पल है प्लैटीहेलमिंथीज, ठीक है। जैसे ये देखो इसमें क्या होगा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, कोई इनमें बीच में डिवीजन नहीं है, ये क्या हो, ये मीजोडर्म पूरा है, इसकी अगर हम बात करें ये पूरा मीजोडर्म है, ये स्प्लिट नहीं हुआ, बड़े जो हायर ऑर्गेनिज्म उनमें क्या होगा, ये मीजोडर्म स्प्लिट हो जाएगा, मीजोडर्म क्या होगा, यहां से स्प्लिट हो जाएगा बीच से, और बीच में एक कैविटी बन जाएगी ऐसी, जो उस हम इसमें ये वाली जो है, ये वाली मीजोडर्म स्प्लिट हुई और बीच में क्या बन गई, कैविटी, और इसी कैविटी को हम बोलते हैं सीलोम, ठीक है। तो ये किसका है, ये है प्लैटीहेलमिंथीज में, क्योंकि ये क्या है, ये ए सीलोमेट है, इनमें कोई भी ऐसी कैविटी नहीं है, तीनों लेयर्स क्या लगी है, एक के बाद एक लगी हुई, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म, ठीक है, कोई कैविटी नहीं है इनके अंदर, ठीक है, सही है। मैथ्स की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फ्रॉग कैसे समझोगे, अभी जो समझा रहे हैं वो समझो पहले, फ्रॉग हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सब कुछ तो आपको मिल रहा है, ठीक है ना, उसके बाद भी इतना कंफ्यूजन। चलो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस है, कॉर्डेट्स कौन से हैं, जो लोअर ऑर्गेनिज्म सारे नीचे के वो है, कॉर्डेटा एक अलग फाइलम है ना, और नीचे वाले सारे क्या है, कॉर्डेटा फाइलम में जो आ रहे हैं वो तो सब हमें पता है, नीचे वाले सारे क्या है, नॉन कॉर्डेट्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लेस इवॉल्वड है वो, नॉन कॉर्डेट्स क्या है, लेस इवॉल्वड है और लोअर लेवल्स है इवोल्यूशन के, ठीक है, लोअर ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं, क्या है वो, लोअर ऑर्गेनिजम्स। कॉर्डेट्स को हम बोलते हैं क्या है, वो हायर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि ह्यूमन बींग, एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सब क्या है, ये कॉर्डेट्स है, ठीक है। सैंपल पेपर ही तो है बच्चा, ये
ये क्या होता है सैंपल पेपर में? क्या होता है? क्वेश्चन होते हैं और आंसर होता है, यही होता है ना सैंपल पेपर में? तो यही तो डिस्कस कर रहे हैं, आप सुनो तो ठीक है। फिर दूसरी बात, कॉर्डेट्स का स्पेशल फीचर क्या है? कॉर्डेट्स के अंदर है नोटोकॉर्ड, ठीक है। और नोटोकॉर्ड क्या करती है फ्यूचर में, क्या बनती है नोटोकॉर्ड? कौन बताएगा नोटोकॉर्ड क्या बनती है फ्यूचर में? कॉर्डेट्स के अंदर है नोटोकॉर्ड, और जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें क्या है? ऑब्वियसली नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, ठीक है। हाँ, नोटोकॉर्ड क्या बनाएगी? नहीं, फ्यूचर में जाके क्या बनाएगी? वर्टिब्रल कॉलम बनाएगी, ठीक है। हाँ, वर्टिब्रल स्पाइनल कॉर्ड ही बनाएगी, वर्टिब्रल कॉलम बनाएगी, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड कौन बनाता है? जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड है वो बनाएगी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। चलो, तीसरा पॉइंट क्या हो गया? नॉन कॉर्डेट्स में क्या है? देयर आर नो फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी एब्सेंट है, और कॉर्डेट्स में अंदर क्या है? गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अभी हम नर्व कॉर्ड की बात करें तो नर्व कॉर्ड इनमें क्या होगी? इनमें जो होती है, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी नर्व कॉर्ड की पोजीशन क्या होती है? वेंट्रल पोजीशन होती है, वेंट्रल होती है। और कॉर्डेट्स में क्या होती है? डॉर्सल। डॉर्सल और वेंट्रल क्लियर है सबको? हाँ, हॉलो और डॉर्सल। हाँ, पोजीशन कैसी होगी? डॉर्सल। और नर्व कॉर्ड कैसी होगी? हॉलो भी है और सिंगल है। इनमें क्या होती है? डबल होती है, डबल होगी और सॉलिड होगी, ठीक है। युक्ति, तुम कौन सी क्लास में हो पहले तो ये बताओ मुझे। आर यू इन क्लास 12? ठीक है, तो डॉर्सल कौन सी पोजीशन होती है? जो बैक होती है, ठीक है। इसको बैक बोल सकते हैं या पोस्टीरियर बोल सकते हैं, ठीक है। जो हमारा बैक पोर्शन है ये पीछे का, ये डॉर्सल है। और जो आगे का बॉडी होता है, फ्रंट बॉडी, बैक बोल लो। और वेंट्रल कौन सी होती है? फ्रंट या फिर एंटीरियर, ठीक है। तो जो हम हायर ऑर्गेनिज्म से या कॉर्डेट्स है उनमें कैसी है? डॉर्सल नर्व कॉर्ड है पीछे की तरफ, और लोअर में कैसी है? वेंट्रल है, ठीक है। सॉलिड और डबल तुमने देख ही लिया, और उसमें कैसी है कॉर्डेट्स में? हॉलो, ठीक है। चलो, तो जब बेटा आपको एग्जाम ही नहीं देना तो फिर आप क्लास भी मत अटेंड करो, क्योंकि ये रिविजन क्लास चल रही है, हम कुछ यहाँ नया डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है ना। युक्ति, अब युक्ति हो या तुम कोई और है आई डोंट नो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हार्ट कैसा है? हार्ट अगर प्रेजेंट है तो वो भी डॉर्सल पे है। नर्व कॉर्ड तो कैसी थी? यहाँ देखो ऑपोजिट हो गया, वेंट्रल से डॉर्सल चला गया नर्व कॉर्ड, और हार्ट कैसे हो गया? डॉर्सल से वेंट्रल साइड में चला गया। हमारा आगे की तरफ होता है ना, फ्रंट में होता है, लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिज्म है उनका कहाँ है? पीछे की तरफ होता है, डॉर्सल अपर बॉडी की तरफ, ठीक है। चलो एग्जाम्पल्स देखो, फिर लिखना मत भूलना। नॉन कॉर्डेट्स में तुम कोई सा भी लिख सकते हो, यहाँ पे स्पॉन्जेस और नेमेटोड्स लिखे, और कॉर्डेट में मैमल्स लिख देना, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये, हाँ लास्ट है। कॉन्ट्रिकाइथिस और क्लास ऑस्टियोकाइथिस, किसके क्लासेस है ये? कौन आएगा ये ऑस्टियो कॉस्टियो, क्या है ये? इफ प्रेजेंट कहाँ लिखा है, कौन लिखा है? क्योंकि सब में नहीं है ना भाई, लोअर ऑर्गेनिजम्स में सब में ऐसे हार्ट नहीं प्रेजेंट है ना, इसलिए लिखा है। इसमें तो होगा, इसमें तो होगा, लेकिन इसमें भी जो ये शायद लोअर वाले इनमें नहीं होता। कॉर्डेट्स में तो होगा ही, इफ प्रेजेंट नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें तो सही है ना इफ प्रेजेंट, क्योंकि सब में नहीं होता, नीचे वाले ऑर्गेनिज्म में कहाँ होगा, इसलिए लिखा है। एज देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें एग्जाम्पल आंसर यही लिखना है एग्जैक्टली, ठीक है। इस जस्ट फॉर रिविजन, ठीक है। आपको अगर पहले से आता है आप अपने पॉइंट्स बना के लिखो, ठीक है ना। जरूरी नहीं ये लिखना है, जस्ट फॉर रिविजन है, ठीक है। चलो, दे हैव अदर ऑर्गेनिजम्स ना, ऐसा नहीं है कि काम कैसे चलेगा भाई, उनके अंदर ब्लड भी तो नहीं है, कुछ और सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, ओपन होता है उनके अंदर, ऐसे कोई हार्ट ही नहीं होता, पंपिंग नहीं होती, कोई वेसल नहीं होगी, ब्लड वेसल्स भी नहीं होते, ठीक है। कुछ और मैकेनिज्म होता है उनके अंदर। चलो फिर देखते हैं हम कॉन्ड्रिकाइथिस और ऑस्टियोकाइथिस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कॉन्ड्रिकाइथिस में कौन सी फिशेज आ रही है, फिशेज की बात करें तो ये कैसी है? सिर्फ मरीन है, ठीक है, सिर्फ ओशन और सी वाटर में मिलेंगी। ऑस्टियोकाइथिस की अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर भी है और मरीन भी है, ठीक है।
पहली बात जो इनका नाम रखा है कॉन्ड्री किससे है, कार्टिलेज से, ठीक है। इनका स्केलेटन कैसा होता है, कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। लेकिन ऑस्टियोकाइटिस के केस में स्केलेटन किसका बना है, बोन्स का बना है, ठीक है। दूसरी बात माउथ कैसा है, माउथ का पोजीशन है वेंट्रल, ठीक है, नीचे की तरफ होगा, ठीक है। और इनका कैसा होता है, जैसे नॉर्मल हम फिश बनाते हैं तो इसका कैसा होगा, टर्मिनल होगा आगे। और अगर हम कॉन्ड्रिकाइटिस की बात करें तो इनका माउथ कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, ठीक है, इसका टर्मिनल और इसका वेंट्रल। दूसरा देखते हैं गिल्स कैसे है, विदाउट ऑपरकुलम, उनके अंदर ऊपर क्या है, गिल्स पे कोई भी कवरिंग नहीं है। लेकिन जो ऑस्टियोकाइटिस है, बोनी फिशेस, इनको बोनी फिशेस भी बोल देते हैं, पर इनको बोल देते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गिल्स कवर्ड है ऑपरकुलम से, ठीक है। इनमें क्या है, एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, इनके अंदर क्या होता है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर की वजह से फिर ये लाइट वेट हो जाती है और इनको स्विमिंग करने में हेल्प मिलती है। दूसरा पॉइंट है फर्टिलाइजेशन, इनके अंदर इंटरनल है और इनके अंदर एक्सटर्नल है, ये उल्टा है। आपको ये लग सकता है कि भाई बोनी फिशेस ज्यादा एडवांस है तो उनमें कैसा होगा, इंटरनल होना चाहिए, लेकिन ये ऑपोजिट है, ठीक है। स्किन कैसे, स्केल से दोनों की कवर्ड है, लेकिन स्केल्स का टाइप क्या है, इनका टाइप है प्लेकोइड और इनका है साइक्लॉइड, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है यार, ये भी याद रखना, अगर देखो कॉर्डेट्स में से क्वेश्चन आने के काफी चांसेस हैं, तो या तो हमारा बर्ड वाला आ सकता है या फिशेस वाला आ सकता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे स्पैम कर रहे हैं इसमें और उन्हें लग रहा है दे आर वेरी कूल, ठीक है ना। अब मुझे स्ट्रिक्टली बोलना पड़ेगा, जो समझ रहे हैं वो समझ गए होंगे मैं किसे कह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ये चैट क्लास के साथ खत्म हो जाएगी, इसका पूरा ना डेटा जाता है, रिकॉर्ड होता है ये सब चैट, ठीक है ना। सब पता लग रहा है कौन क्या लिख रहा है, आपको समझ आ रहा है ना, ये बायो की क्लास है, देन व्हाई आर यू राइटिंग फिजिक्स क्वेश्चन इन दिस, कोई सेंस बन रहे हैं यहाँ। आपको नहीं करनी है अटेंड मत करो, जो पढ़ना चाह रहा है उसको तो पढ़ने दो एटलीस्ट। ये सारा चैट जाएगा और टेक टीम देखती है कि कौन क्या लिख रहा है, कौन कितना पढ़ने में इंटरेस्टेड है। जिसको एग्जाम देना है बायो का उसे तो पढ़ने दो यार, तुम्हें नहीं देना मत दो। अब स्ट्रिक्टली बोलना पड़ रहा है मुझे, क्यों, बिकॉज यू आर इरिटेटिंग, सबको इरिटेट कर रहे हो। जो बच्चा देख रहा है ना उसको भी बार बार चैट के मैसेज आते हैं, तो वो देखेगा या तुम्हारे क्वेश्चंस पढ़ता रहेगा। आपको नहीं अटेंड करनी मत करो, कोई फोर्स थोड़ी कर रहा है आपको अटेंड करने के लिए। जिसको मैं बोल रही हूँ उसको समझ आ गया होगा बिल्कुल। चलो कॉन्ड्रिकाइटिस और ऑस्टियोकाइटिस में क्या है देख लेना बीच में, ठीक है। ये क्या डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्योंकि कॉर्डेट्स में क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है, ठीक है। चलो तो ये हमारे ऑलमोस्ट 10 या 11 क्वेश्चंस हो गए, किसके, एनिमल किंगडम के, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखते हैं हम, एक सेकेंड, ठीक है। क्या पूछ रहे हो रमन, आप पूछो भाई रेलेवेंट क्वेश्चन तो पूछो ना, अननेसेसरी क्यों तुम चैट में टाइप करे जा रहे हो। विजिबल है स्क्रीन, पीडीएफ देखो सबको मिल जाएगा, इस क्लास के बाद ही मिल जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है पीडीएफ की, क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी वाला चैप्टर, ठीक है ना भाई। पीडीएफ ना सब ग्रुप्स में शेयर हुआ है प्रिया, कल वाला जो चैप्टर थे फर्स्ट सेकंड और थर्ड उसका भी हो चुका है, कुछ बच्चों ने बताया कुछ ग्रुप्स में नहीं हुआ है, तो मैं उसमें दोबारा चेक कर लूंगी, मोस्ट प्रोबेबली सब में हो गया है, ठीक है। और इसका भी आपको इस लेक्चर के बाद मिल जाएगा। चलो तो हम पहले देखते हैं दोनों में, एक्चुअली ये मिक्स है, तो एक क्वेश्चन हो सकता है एनाटॉमी का है और एक मॉर्फोलॉजी का है, ठीक है।
आई विल चेक कृष्णा, आई विल चेक. व्हाट्स योर ग्रुप नंबर? अपना ग्रुप नंबर लिखो फटाफट, ठीक है? चलो तब तक हम क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फाइलोटैक्सी. फाइलोटैक्सी और साथ में एग्जांपल. सब में यही है कि एग्जांपल जरूर लिखना है, ठीक है? पैटर्न अगर देख लो, मान लो कभी ऐसा भी हो रहा है कि भाई तुम्हारा पेपर छूटने वाला है, 41 मैंने लिख लिया, ठीक है? पेपर पैटर्न यार तुम लोग को ज्यादा पता होगा, वैसे ऐसे ही आते हैं ना, वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग कुछ ऐसा होगा ना. मुझे भी सही बताओ तो आइडिया नहीं है पैटर्न का, लेकिन जैसे क्वेश्चंस ये इसी टाइप से आएंगे कि वन लाइनर्स, ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट वाले, या फिर जैसे वेरी शॉर्ट हो गया 2-3 लाइन्स में लिखना, और लॉन्ग लॉन्ग आते हैं, ठीक है ना? 37 47 आप लोग कह रहे हो किसी में शेयर ही नहीं हुआ, ऐसा है नहीं बच्चे, मोस्ट प्रोबेबली सब में शेयर हो चुका है. चलो हाँ, MCQs आएंगे, ये भी बता रहे थे बच्चे, ठीक है ना? तो चलो अब देखते हैं क्या. तो मान लो, हाँ मैं ये बोल रही थी कि ऐसा हो कि आपका यार पेपर छूटने वाला है, छूटना तो नहीं चाहिए, सारे क्वेश्चन आने चाहिए, चैट बॉक्स ऑफ ही कर देते हैं, ये बात तुम सही कह रहे हो. अब आएगा ना तो मैं ऑफ ही कर दूंगी. ठीक है ठीक है, आई विल चेक. फाइलोटैक्सी देखते हैं. मान लो, हाँ मैं बोल रही थी एग्जाम्पल आप जरूर लिख देना. मान लो फाइलोटैक्सी लिखने का टाइम नहीं है तो एग्जाम्पल ही लिखाना, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन कोई भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना, लिख के जरूर आते हैं हर क्वेश्चन. क्वेश्चन करने का, पेपर करने का एक तरीका यह है कि कोई भी क्वेश्चन कभी भी छोड़ना नहीं है, चाहे उसमें आप 2 ही वर्ड लिखे हो जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए. चलो, फाइलोटैक्सी क्या है? पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, कि किसी स्टेम पर, ये हमारी होगी स्टेम, किसी भी स्टेम पर लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है. 3 तरीके से हो सकता है, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट और वर्ल्ड, ठीक है? ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कैसा होता है कि एक लीफ ऐसे लगी होगी तो दूसरी इसके साइड में नहीं होगी, ऊपर जाके इधर होगी, फिर दूसरी साइड होगी एक, फिर इधर होगी, ठीक है? ये ऑल्टरनेट होगी ना, एक इस साइड एक इस साइड, एक इस साइड इस ऊपर की तरफ भी चल रही है, ठीक है? इस अरेंजमेंट को तो बोलते हैं ऑल्टरनेट. किसमें मिलेगा? मस्टर्ड और चाइना रोज. एक एक एग्जाम्पल याद कर लो, ठीक है? ऑपोजिट दूसरा होता है, ऑपोजिट. ऑपोजिट में क्या होगा? एक ही नोड पर दोनों साइड लीफ निकलेगी, ठीक है? ये हो गया ना, ये नोड हो गया, इसमें एक नोड पे यहां निकली और एक नोड पे दूसरी साइड, फिर दूसरे नोड पे ऑल्टरनेट मतलब एक नोड इधर है और एक इधर है, एक इधर है इधर है, फिर नेक्स्ट नोड पे दूसरी साइड निकलेगी, फिर नेक्स्ट नोड पे दूसरी साइड. तो ये अरेंजमेंट कैसा हुआ? ये हुआ ऑल्टरनेट, और ये हो गया ऑपोजिट. ऑपोजिट का क्या एग्जाम्पल है? गुआवा, ठीक है? एक होता है वर्ल्ड. वर्ल्ड में क्या होगा? वर्ल्ड में एक ही नोड पर बहुत सारी लीव्स निकल जाएंगी, पूरा वर्ल्ड बना लेंगे, एक तरीके से सर्कल बना लेंगे, ठीक है? इसका एग्जाम्पल क्या है? एस्टोनिया, ठीक है? तो ये 3 अरेंजमेंट हमारे लीव्स के पैटर्न में पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी, ठीक है? हाँ चलो नेक्स्ट. उसके बाद है देखो, ये तो मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन था, मॉर्फोलॉजी का था ना ये. इसके बाद है ये, व्हाट आर बुलीफॉर्म सेल्स? कौन बताएगा बुलीफॉर्म सेल्स? ये किसका क्वेश्चन है? ये एनाटॉमी का क्वेश्चन है. अब मैं ये भी लिखती रहूंगी किसका है, कौन से चैप्टर का है, नहीं तो तुम लोग फिर जिसको पता नहीं है वो कंफ्यूज हो जाएगा. तो ये वाला कौन सा था? ये था मॉर्फोलॉजी का, मैं साइड में लिख दे रही हूँ, जिसको पता है वो तो गैस कर लेगा, जिसको नहीं पता वो ढूंढता ही रह जाएगा बुक में. ये किसका है? एनाटॉमी का, ठीक है? बुलीफॉर्म सेल्स किस में होती है? बेसिकली जो मोनोकॉट लीव्स हैं, मोनोकॉट लीव्स यानी कि आइसोबाइलेटरल लीव, ठीक है? डाइकॉट लीव कैसी होती है? डाइकॉट लीव होती है हमारी डॉर्सी वेंट्रल, जो हम नॉर्मल लीव सभी प्लांट्स में देखते हैं, ठीक है? लेकिन मोनोकॉट लीव को क्या बोलते हैं हम? मोनोकॉट लीव को बोलते हैं आइसोबाइलेटरल. आइसोबाइलेटरल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो ऊपर और नीचे से ऑलमोस्ट इक्वल सी होती है, अगर उनका इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखें, ठीक है? इनको बोलते हैं आइसो बाइलेटरल, ठीक है? तो ये बुलीफॉर्म सेल्स किस में मिलती है? ग्रास में मिलती है. ग्रास में क्या होता है, जो ग्रास का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो ये एपिडर्मिस है. सबसे बाहर की लेयर क्या होती है? एपिडर्मिस होती है ना. तो एपिडर्मिस जो ऊपर वाली सरफेस का एपिडर्मिस है, अपर, एक तो ये होगी लीफ में क्या है, एक है अपर एपिडर्मिस, एक है लोअर, तो ये हो गई लोअर एपिडर्मिस, ठीक है? और ये हो गई अपर एपिडर्मिस, ठीक है? अपर एपिडर्मिस में कुछ सेल्स क्या होंगी, स्पेशल स्पेशली मॉडिफाई हो जाएंगी, ठीक है? मान लो ये मॉडिफाई हो गई, तो ये मॉडिफाई कैसी होगी?
मॉडिफाई हो जाएगी लार्ज एम्प्टी और कलरलेस सेल में, ठीक है। बेसिकली क्या बन जाएगी, एक स्पेशल सेल बन जाएगी, इस सेल को हम बोलेंगे बुली फॉर्म सेल। कैसी होगी ये, लार्ज होगी, एम्प्टी होगी अंदर से और कलरलेस होगी, ठीक है। जब वाटर कंडीशंस क्या होती है, वाटर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा तो ये सेल क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, वाटर को क्या करेगी एब्जॉर्ब करेगी और टर्जिड हो जाएगी, इसका टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, ये फोर्स लगाएगी। और क्या होगा, जब ग्रास में ये प्रेजेंट है, ग्रास की लीफ थी, इसमें बुलीफॉर्म सेल थी, इसने वाटर एब्जॉर्ब करा और ये हार्ड हो गई, ये क्या करेगी फोर्स लगाएगी, ये फोर्स लगाएगी तो ग्रास की लीफ जो है वो खड़ी हो जाएगी, ठीक है। कैसे, मान लो ये ग्राउंड पे पड़े था ग्रास, ये क्या हुआ थोड़ा सा ऐसे इरेक्ट हो जाएगी, इरेक्ट पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है। और जब वाटर लूज हो जाएगा, वाटर लूज हो गया, मान लो स्ट्रेस था या वाटर कम था, तो दोबारा क्या होगी, ये दोबारा से कर्ल हो जाएगी और इसकी शेप क्या होगी, दोबारा से नीचे की तरफ आ जाएगी। तो ये इसका फंक्शन, बेसिकली आपको ये लिखना है कि किस में मिलती है, ग्रासेस में मिलती है, ठीक है, सही है। चलो बुलीफॉर्म सेल देखो, ये तो मैंने सारा समझा दिया कि बुलीफॉर्म्स क्या है और इनका फंक्शन क्या है, लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछ रहा है बुलीफॉर्म सेल्स किसमें मिलती है, तो किसमें मिलती है, मोनोकॉट लीव्स में, ठीक है। और मोनोकॉट लीव का एग्जांपल क्या है, ग्रास। और दूसरी बात ये है कि जो एपिडर्मिस होता है, जो अपर लेयर है, एपिडर्मिस की कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाएंगी, मान लो ये वाली हो गई, ये मॉडिफाई होके एक स्पेशल सेल बना लेगी, उसको बोलेंगे बुलीफॉर्म सेल। और वो सेल के फीचर क्या है, वो लार्ज होगी थोड़ी सी, एम्प्टी होगी अंदर से और कलरलेस होगी, ठीक है। एपिडर्मिस से बनती है ना बेटा, लिखा तो है, देखो यहाँ लिखा है ना, ये किसमें है, ग्रासेस में है, ठीक है। पहली बात तो ये ग्रास के अंदर है, दूसरी बात एपिडर्मिस की सेल होती है ये जो ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है। दो पॉइंट याद रखने हैं, ग्रास में है, मोनोकॉट लीव्स में है, और एपिडर्मिस की सेल है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, बस ये याद रखो, ठीक है। आप क्या पूछ रहे हो भाई, क्या रिप्लाई मांग रहे हो। थर्ड क्वेश्चन है, इन मोनोकॉट्स कॉटिलेडन इज कॉल्ड एज, कॉटिलेडन को क्या बोलते हैं, स्कूटेलम, स्कूटेलम बोलते हैं ना, ये क्या है, ये मोनोकॉट, मोनोकॉट है, एक ही कॉटिलेडन है ये, पर ये क्या होता है, ये इसकी कवरिंग होती है, प्रोटीन लेयर जिसे हम बोलते हैं एल्यूरॉन लेयर, ठीक है। ये क्या है, ये होगा प्लिम्यूल, ठीक है। और ये क्या होगा, ये क्या होगा, प्लिम्यूल की कवरिंग को क्या कहते हैं, नीचे क्या होता है, रेडिकल, ठीक है। इसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं, कॉलियोराइजा, और प्लिम्यूल की कवरिंग को बोलते हैं कॉलियोप्टाइल, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, जो मोनोकॉट, मोनोकॉट क्या होते हैं, मोनोकॉट वो होते हैं ना जिनके अंदर सिर्फ वन कॉटिलेडन होता है, ठीक है। तो यहां हमने वन ही बनाया ना, ये पूरा सीड का स्ट्रक्चर बनाया, तो ये क्या पोर्शन है, ये कॉटिलेडन है ये, ठीक है। तो इसको हम और भी कुछ बोलते हैं, उसका नाम है स्कूटेलम, ये याद रखो बस, ठीक है। कॉटिलेडन इज कॉल्ड एज स्कूटेलम, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑपुंचिया, हाँ ये क्वेश्चन किसका है, ये है मॉर्फोलॉजी का। जो देखो क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि बुक नहीं उठानी बाद में, बुक में भी देख लेना उठा के कहाँ पे लिखा है भाई, और दो चार बात कुछ एक्स्ट्रा निकाल सकते हो तो वो देख लेना, ठीक है। ये किसका आ गया, ये भी मॉर्फोलॉजी का है। ओपुंचिया में लीव्स किस में मॉडिफाई होती है, ओपुंचिया में, ओपुंचिया क्या है, ओपुंचिया एक तरीके से कैक्टस है ना, कैक्टस है ये, ठीक है। तो इसमें लीव्स किस में मॉडिफाई हो रही है, लीव्स तो मॉडिफाई हो गई स्पाइन्स में, क्योंकि कैक्टस को क्या करना है, कैक्टस को बेसिकली वाटर बचाना है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो लीव्स ना होकर उसमें क्या है, लीव्स ट्रांसफॉर्म हो गई स्पाइन्स में, और स्टेम किस में हो गई, स्टेम हो गई फ्लैट स्ट्रक्चर में, ऐसा सब कुछ। स्टेम ने क्या बना लिया, फ्लैट स्ट्रक्चर बना लिया, और इसके ऊपर लीव्स कैसी है, स्पाइन्स की तरह लगी हुई है, ठीक है। और स्टेम क्या कर रही है, स्टेम बेसिकली फ्लैट है और ग्रीन है, तो बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस करेगी, क्योंकि लीव्स तो है नहीं, तो लीव्स का काम कौन कर रहा है, स्टेम कर रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का क्या फंक्शन है, कहाँ बनते हैं एंडोस्पर्म, बताओ भाई कहाँ बनते हैं एंडोस्पर्म,
बोलो बोलो। ठीक है, ये किसका क्वेश्चन है? ये भी मॉर्फोलॉजी का। हाँ, बेसिकली एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है उसके साथ साथ क्या बनता है, एंडोस्पर्म भी बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन किस में देखते हैं हम? एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, और एंडोस्पर्म का काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। यहाँ पे सिर्फ ये एंडोस्पर्म का फंक्शन पूछ रहे हैं। ठीक है, एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। ये क्या करेगा? जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो, उसको फूड सप्लाई चाहिए ना, उसको फूड कौन देगा? उसको फूड देगा एंडोस्पर्म। ठीक है, हाँ, गिव्स न्यूट्रिशन। ठीक है, दोनों में ही होता है, दोनों में ही होता है। ठीक है, चलो ये वाला कह रहे हो, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू, क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसका आंसर है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है। ठीक है, लीव्स किस में हो गई? स्पाइन्स में। और इस लीव्स का फंक्शन कौन कर रहा है? स्टेम कर रहा है, स्टेम फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, चलो, एंडोस्पर्म का फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये कौन सा चैप्टर है? एनाटॉमी का। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम पढ़े हैं ना, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम किस में हेल्प कर रहा है? ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है? वाटर और मिनरल्स। ठीक है ना, और फ्लोएम किसके ट्रांसलोकेशन में हेल्प कर रहा है? फूड के। ठीक है, बेसिकली फूड या शुगर जो बन रहा है उसके ट्रांसलोकेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों का फंक्शन हो गया। अब इनमें भी क्या होता है, जाइलम में अलग अलग होते हैं ना, क्या क्या होता है जाइलम में? फ्लोएम में क्या क्या होता है बताओ, जाइलम में क्या क्या होता है? फूड, हाँ, फूड स्टोर करते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या क्या होगा? फ्लोएम, सीव सेल्स, है ना, चार चार है ना सब में, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स। ठीक है, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, चार चीज हो गई ना। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या क्या फंक्शन है। यहाँ पे भी क्या होगा? जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, और यहाँ क्या होगा? जाइलम फाइबर्स। ठीक है, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा, जो पैरेन्काइमा होती है, पैरेन्काइमा एक टाइप की सेल्स ही है ना, तो इन सेल्स का फंक्शन क्या होता है? सीक्रीशन, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फ्लोएम पैरेन्काइमा भी यही करेगा। ये क्या करेगा? स्टोरेज करेगा फूड का या फिर और सब्सटेंसेस का, जैसे कि क्या, रेजिन, लेटेक्स और म्यूसिलेज। ये बेसिकली इन चीजों का क्या करता है? स्टोरेज करता है। ठीक है, और सेल्स अगर पूछी जाए कैसी होती है फ्लोएम पैरेन्काइमा की, इलॉन्गेटेड और सिलेंड्रिकल सेल्स होंगी। ठीक है, और जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है वो हमेशा, उसमें अंदर एक डेंस साइटोप्लाज्म होगा और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लिखा है। बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, ये याद रखना है। फूड मटेरियल प्लस प्लस क्या, ये सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस, रेजिन हो गया, लेटेक्स हो गया या म्यूसिलेज हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, वेयर डू यू फाइंड देम, कहाँ मिलेंगी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स? ये किसका हो गया? ये एनाटॉमी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किस में मिलती हैं? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस किसकी? डाइकॉट रूट्स की। पहली बात तो ये याद रखनी है, किस में मिलेगी, ये लिख पूछा है ना इसने, वेयर डू यू फाइंड देम? इन एंडोडर्मिस ऑफ डाइकॉट रूट। ठीक है, एंडोडर्मिस क्या है? इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की। देखो ये पूरा क्या है, ये पूरा कॉर्टेक्स है, जो एंडोडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे वाला जो सेक्शन होगा वो पूरा क्या बनाएगा? कॉर्टेक्स। ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप्स की लेयर होगी, जैसे कि वही कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा और एंडोडर्मिस। ठीक है, इस एंडोडर्मिस की, मान लो ये एंडोडर्मिस थी, ये हमारी एंडोडर्मिस थी, इसमें क्या होगा? इसमें सेल्स पर एक वैक्सी सब्सटेंस की कोटिंग होगी ऐसे,
ठीक है, वैक्सी सब्सटेंस की कोटिंग होगी सेल्स पे। वो वैक्सी सब्सटेंस क्या होता है? सुबेरन, सुबेरन की कोटिंग होगी और इसी कोटिंग को बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ठीक है, अब ये वैक्सी कोटिंग है, स्लिपरी है, तो ये क्या बनेगी? ये इम्परमेबल हो जाएगी वाटर के लिए, वाटर के लिए भी और दूसरे आयंस के लिए भी। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि एंडो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किसमें मिल रही है। हाँ यही तो बता रही हूँ, सुनो ना अखिलेश, पहली बात तो ये हो गई कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किसमें मिल रही है, एंडोडर्मिस में मिल रही है। किसकी? डायकॉट रूट की। ठीक है, मोनोकॉट में नहीं, डायकॉट और रूट, स्टेम में भी नहीं, सिर्फ डायकॉट रूट। ठीक है, एंडोडर्मिस में। ठीक है, एंडोडर्मिस क्या है? इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की। अब ये पूछ रहे कि क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में क्या होता है, एक वैक्सी कोटिंग होती है। किसकी? सुबेरिन की। सुबेरिन एक सब्सटेंस है, ये जो हमने रेड बनाया है, इस सुबेरिन की कोटिंग ऐसे सेल्स पे चारों तरफ हो जाएगी। ठीक है, अब वैक्सी कोटिंग हो गई तो वाटर तो इसके थ्रू पास नहीं हो पाएगा ना, कोटिंग के थ्रू। तो ये क्या होता है, ये एक तरीके से इम्परमेबल बना रही है सेल वॉल को। कोई भी आयन या वाटर ऐसे डायरेक्टली सेल के अंदर ना आए और उसे एक बैरियर मिले, ये इनका काम है। ठीक है, ये क्या कर रही है, एक बैरियर बना रही है। किसके लिए? वाटर के लिए और डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए, आयंस के लिए, जिससे वो क्या करें, वो एकदम से सेल के अंदर एंटर ना हो। और क्या हो, जो भी एंट्री हो वो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। पता है ना ये हमें कि सेलेक्टिवली परमिएबल होती है प्लाज्मा। हाँ, ये फिल्टर कह सकते हो, एक फिल्टर तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसके थ्रू कुछ पास ही नहीं होगा, ये एक तरीके से बैरियर होगा, पूरा ब्लॉकेज करेगा। ठीक है, कोई भी चीज ऐसे ही अंदर ना आ जाए उस चीज को पूरी तरीके से रोकने के लिए। ठीक है, और सिर्फ कहां से वो एंट्री, एंट्री सिर्फ जो आयंस है वाटर की है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो। तो ये एक स्पेशल फीचर है डायकॉट रूट्स का, ये क्या करता है, ब्लॉक करता है एंट्री को और एज अ बैरियर एक्ट करेगी ये स्ट्रिप। ठीक है, याद ये रखना है, किसमें? डायकॉट रूट के अंदर। ठीक है, चलो। विच मेरिस्टेम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ इन प्लांट्स। लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ से क्या मतलब है, लेंथ, लेंथ बढ़ाने के लिए प्लांट के लिए कौन सी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है, ये किसका क्वेश्चन है, एनाटॉमी का। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, दो टाइप के मेरिस्टेम होते हैं ना, एक होता है एपिकल है ना, और दूसरा क्या होता है, लेटरल। ठीक है, एपिकल डिलीटेड है, कोई बात नहीं है, याद रख लो बस एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, चलो नहीं बताते तो मैं नहीं सुन रहा तो मत सुनो, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ये किसका है, मॉर्फोलॉजी का। क्या स्टेटमेंट है कि भाई फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। ठीक है, फ्लॉरकम क्या बोल रहे हैं, फ्लॉरकम बोल रहे हैं कि ये मॉडिफाइड शूट है। क्यों बोल रहे हैं, इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अभी नहीं पढ़ना, बाद में तो सब पढ़ना है। ठीक है, बाद में सब पढ़ना है, आधे बच्चे लिखेंगे डिलीटेड है, आधे लिखेंगे नहीं डिलीटेड है, सब कुछ पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में सब कुछ आएगा। अभी के एग्जाम में तो नहीं आ रहा होगा लेकिन बाद के एग्जाम में सब कुछ आएगा। ठीक है, चलो छोटी सी बात थी, सुन लो, इतने एकदम से हाइपर मत हुआ करो कि मैम नहीं है तो बिल्कुल हटा दो इसे नजरों के सामने से, 2 मिनट देख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो, विच मेरिस्टेम क्या, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कैसी होती है, जो लेंथ बढ़ रही है प्लांट की, वो किस वजह से बढ़ रही है, वो एपिकल मेरिस्टेम से बढ़ती है। ठीक है, मेरिस्टेम क्या है, दो तरीके की है, एक होती है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरी होती है लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम का क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं, क्योंकि वो जब प्लांट यंग है, जब प्लांट यंग होगा तभी उसकी ग्रोथ होगी ना, तब क्या होता है, पहले प्लांट की लेंथ बढ़ती है, वो बड़ा होगा, उसके बाद क्या होता है, वो विड्थ में बड़ा होता है, चौड़ाई बढ़ती है, जैसे पेड़ बन गया, वो प्लांट से क्या बन गया, ट्री बन गया। तो लेटरल मेरिस्टेम क्या करती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए, या हम प्राइमरी ग्रोथ को हम बोल देंगे कि जब उसकी लेंथ बढ़ रही है, जब प्लांट कैसा है, यंग स्टेज में है। ठीक है, और लेटरल मेरिस्टेम क्या करती है, सेकेंडरी ग्रोथ देती है उसको। सेकेंडरी ग्रोथ से क्या मतलब है, विड्थ बढ़ेगी प्लांट की, मोटा हो जाएगा प्लांट। ठीक है, गर्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, क्यों बोल रहे हैं ऐसा, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, कैसे करोगे, क्या होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम जो होती है, एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होगी,
ये तो ज्यादा बड़ा हो गया। एपिकल मेरिस्टम क्या होगी? ये प्लांट की स्टेम थी, जो प्लांट का टिप का पोर्शन है उसे क्या बोलेंगे? एपेक्स। और एपेक्स पे जो मेरिस्टम है, मेरिस्टम से क्या मतलब है? जो डिवाइडिंग सेल्स हैं, जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, वो जो क्या कर रही है? प्लांट प्लांट को लेंथ दे रही है, डिवाइडिंग सेल्स एक्टिवली वो भी, ठीक है। मेरिस्टेम में क्या होंगे? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होगी। जो एपेक्स पे मेरिस्टेम है वो हो गया एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। एपेक्स क्या होगा? टिप होगा ना, जो बिल्कुल एंड पॉइंट होगा, टिप होगा, ठीक है। तो ये क्या देखा हमने कि जब प्लांट की जो एपेक्स थी, यहाँ पे डिवाइडिंग सेल्स थी, वो क्या हो गई? वो मॉडिफाई हो गई फ्लोरल मेरिस्टेम में। मतलब अभी तक तो ये सिर्फ लेंथ बढ़ा रही थी, इसने क्या करा? जब प्लांट थोड़ा मेच्योर हो गया, फ्लावर कब आते हैं? जब प्लांट थोड़ा मेच्योर हो जाता है, ठीक है। प्लांट मेच्योर हुआ तो क्या हुआ? ये एपेक्स किस में कन्वर्ट हो गई? ये कन्वर्ट हो गई फ्लोरल मेरिस्टेम में। फ्लोरल मेरिस्टेम से मतलब है कि अब ये फ्लावर का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। फ्लावर का फॉर्मेशन करने के लिए क्या करना होगा? जो इंटरनोड्स थे बीच बीच में, ये होते हैं नोड्स, है ना। और नोड्स के, दो नोड्स के बीच में जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड, है ना। तो इंटरनोड भी बढ़ने बंद हो जाएंगे, क्योंकि लेंथ नहीं बढ़नी चाहिए ना फ्लावर में, तो जितने भी पार्ट्स हैं वो सब एक साथ रहेंगे, एक ही नोड पर रहेंगे, तभी वो फ्लावर बनेगा। तो इंटरनोड्स इलांगेट नहीं होंगे, ठीक है। एक्सिस क्या होगी? कंडेंस हो जाएगी ऊपर की तरफ से, क्या होगा वो और दबेगा थोड़ा सा, और वहां पे फ्लावर के जो डिफरेंट वो होते हैं स्ट्रक्चर, जैसे सेपल हो गई, पेटल हो गई, ये क्या होंगे? ये वहां पे निकलने शुरू हो जाएंगे इसी पोर्शन में, इसी पोर्शन में, ठीक है। इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि ये क्या है? फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। जो शूट का पोर्शन था, जो स्टेम का पोर्शन था, वही मॉडिफाई बन के फ्लावर बन गया ना, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है, ठीक है। और ये चार पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं, जिससे क्या होगा? ये वाला जो स्टेटमेंट है ये जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। समझ आया? समझ आ गया ना भाई? चलो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ आर ओपन वस्कुलर बंडल्स डिफरेंट फ्रॉम क्लोज्ड वंस, ठीक है ना। ये किसका हो गया? ये भी एनाटॉमी का क्वेश्चन है। दो टाइप के वस्कुलर बंडल्स होते हैं ना, ओपन और क्लोज्ड, ठीक है। ओपन और क्लोज्ड, ओपन वस्कुलर बंडल्स उन्हें बोलते हैं जिनमें क्या होता है? जिनमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे ये डायग्राम बनाए, ये बनाए ना ओपन वस्कुलर बंडल। इसमें देखो नीचे ये रेड वाला पोर्शन क्या है? जाइलम। ऊपर वाला जो ये ब्लू पोर्शन है, दिस इज फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक एक्स्ट्रा पोर्शन है, इसको हम बोल रहे हैं कैम्बियम। ये सिंगल लेयर होती है कैम्बियम की, लेकिन जिसमें ये प्रेजेंट हो गई उसको हम बोलेंगे ओपन वस्कुलर बंडल, ठीक है। और कैम्बियम ही रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, ठीक है। दूसरी बात, ये किसमें मिलेंगे? ओपन वस्कुलर बंडल्स मिलेंगे डाइकॉट्स में, ठीक है। क्लोज्ड कौन से होते हैं? जिनमें कैम्बियम इज एब्सेंट। इसमें नहीं है ना, देखो कैम्बियम, ये वाला पिंक स्ट्रिप इसमें गायब है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई भी कैम्बियम नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोज्ड वस्कुलर बंडल। और ये किसमें मिलेंगे? मोनोकॉट्स में। और जबकि इसमें क्या है? मोनोकॉट्स में कैम्बियम इज एब्सेंट, तो इसीलिए मोनोकॉट्स में क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, ठीक है। बिकॉज कैम्बियम ही नहीं है तो ग्रोथ कैसे होगी, ठीक है। कैम्बियम में क्या है? कैम्बियम इज बेसिकली ये सेल ही है, जैसे हम बाकी सेल्स को नाम दे रहे हैं, हाँ बाकी सेल्स को नाम दे रहे हैं कि भाई ये पैरेन्काइमा है, ये कॉलेनकाइमा है, ऐसे ही कैम्बियम है, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्या? ये बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जब आप सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कैम्बियम की सेल्स ही डिवाइड होके सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, जिससे क्या होता है? प्लांट की विड्थ इंक्रीज हो जाती है, गर्थ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सेल्स बनाएंगी जाइलम की, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये बनाएंगी सेल्स, ठीक है। हाँ, रिंग बनेगी, रिंग के बाद डिवीजन होता है उस रिंग का। रिंग कैसे डिवाइड होगी? रिंग सेल्स कट होंगी रिंग में, और कुछ सेल्स अंदर की तरफ बनेंगी, कुछ बाहर की तरफ बनेंगी, ठीक है ना। डाइकॉट में ही होता है कैम्बियम से, मोनोकॉट्स में कैम्बियम इज एब्सेंट, और इसी वजह से क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती मोनोकॉट्स में। चलो उसके बाद देखते हैं व्हाट आर ट्राइकोम्स और उनका फंक्शन क्या है, ठीक है। ये एनाटॉमी का है, ठीक है। ट्राइकोम्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये हेयर लाइक अपेंडेजेस है, किस पे? एपिडर्मिस पे। किसकी? डाइकॉट स्टेम की। अब इनमें ना इस चैप्टर में ये बड़ा कंफ्यूजन है कि कौन सी स्टेम में है चीज, कौन सी रूट में है।
उसके बाद भी स्टेम भी मोनोकॉट डाइकॉट, रूट भी मोनोकॉट डाइकॉट, तो ये चार स्ट्रक्चर हो गए एक तरीके से, और इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि किसमें क्या जाएगा, ठीक है। लेकिन समझ में आ गए तो ऑल इज क्लियर, तो सब फिर कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, एक बार चीज समझ में आ जाएगी ना तो फिर नहीं होगा। तो डायग्राम से याद करने की कोशिश करो, ठीक है, कि डायग्राम एक बार सेट हो गया माइंड में तो डायग्राम से आप पता लग जाएगा कि किसमें क्या था, ठीक है ना। तो ट्राइकोम्स किसमें, डायकॉट स्टेम्स में, बेसिकली क्या है, जैसे एपे उसमें रूट में रूट हेयर्स होते हैं, ऐसे ही स्टेम पे क्या होंगे, ट्राइकॉम्स होंगे। ये हेयर लाइक छोटे छोटे माइन्यूट हेयर्स ही होते हैं, क्या करते हैं बेसिकली, इनका फंक्शन पूछ रहे हैं, तो फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंट, ठीक है, वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है, और पैथोजन, क्योंकि ये क्या करते हैं कुछ केमिकल्स भी सिक्रीट करते हैं, और सिक्रीशन से क्या होता है पैथोजन का इन्फेस्टेशन प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये इनके तीन फंक्शन हो गए। ट्राइकोम्स लिखा तो ये हेयर लाइक, अगर तुम ध्यान से देखोगे किसी प्लांट को देखना, उस पे क्या होता है स्टेम पे बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ऐसे व्हाइट से, किसी प्लांट पे, यंग प्लांट में देखना किसी में जिसमें वुड ना निकला हो, बहुत यंग प्लांट हो, ठीक है, उसमें देखना ऐसे व्हाइट व्हाइट से आपको हेयर्स दिख जाएंगे, तो ये होते हैं ट्राइकोम्स, ठीक है। हेयर लाइक अपेंडेजेस किस पे होंगे, अब बाहर अगर हमें दिख रहे हैं तो ये किस पे होंगे, एपिडर्मिस पे ही होंगे ना। चलो कॉर्न, कॉर्न क्या लिखा है आपने, फिर ये किसका, ये है मॉर्फोलॉजी का, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेंड्रिल्स किसमें, इन फॉलोइंग प्लांट्स, कुकम्बर, पी, ग्रेपवाइंस और वाटरमेलन, ठीक है, इन चारों में क्या करना है, कॉर्न पे किस पे, वो जो हेयर्स होते हैं आप उसको पूछ रहे हो, जो छीलते हैं भुट्टा, वो नहीं होते, वो ओवरी का पार्ट होता है, वो नहीं होता, वो अपेंडेजेस नहीं होते। अपेंडेजेस किस पे होंगे, सिर्फ स्टेम पे होंगे, और कॉर्न तो एक तरीके से फ्रूट है ना, वो नहीं होता वो, ठीक है ना, स्टेम पे होते हैं ट्राइकॉम्स, रूट पे भी नहीं होंगे, सिर्फ स्टेम पे, ठीक है। अब बता रहे हैं आपको कि टेंड्रिल्स किस टाइप के किसमें है, जैसे कुकम्बर में है स्टेम टेंड्रिल, स्टेम का मॉडिफिकेशन है टेंड्रिल, किस केस में, कुकम्बर, ग्रेप्स के और वाटरमेलन के केस में जो टेंड्रिल है वो किसका मॉडिफिकेशन है, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। लेकिन अगर हम पी की बात करें, मटर की बात करें, तो जो टेंड्रिल्स हैं, टेंड्रिल्स क्या होते हैं, ऐसे क्लाइम करने में हेल्प करते हैं ना, स्टेम को पकड़ने में, किसी चीज को क्लाइम करना है तो वो क्या करेगी, वो किसी चीज को होल्ड करेगी, तो ये टेंड्रिल्स आर देयर, ठीक है, ये क्लाइंबिंग में हेल्प करेंगे। तो ये वाटरमेलन, ग्रेप्स और कुकम्बर में तो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, लेकिन हम पी की बात करें तो ये लीफ का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अभी तो बताया था, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में क्या था, एंडोडर्मिस पे था, पहली बात किस पे था, एंडोडर्मिस पर था, ठीक है, ऐसे याद रखो ना पॉइंट वाइज, फर्स्ट इज एंडोडर्मिस पे था, क्या था, लेयर थी किसकी, सुबेरिन की, सुबेरिन एक सब्सटेंस है, सुबेरिन की लेयर थी, और वो कैसी लेयर है, वैक्सी, ठीक है, वैक्सी लेयर थी, और कैसे होगी, टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स पे, इसमें नहीं दिखेंगी टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स, तुम ऐसे मान लो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो ये हो गई कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, किसमें मिलेंगी, डाइकॉट की रूट में, सिर्फ डाइकॉट की रूट में, ये तीन पॉइंट याद रख लो बस, ठीक है। चौथा पॉइंट ये हो गया कि क्या काम कर रही है, बैरियर की तरह काम कर रही है, बैरियर फॉर मूवमेंट ऑफ आयंस और वाटर। आप आगे पढ़ोगे जब और चैप्टर्स पढ़ोगे तो उसमें प्लास पाथवेज पढ़ोगे, उस पाथवेज में काम करती है ये, क्या, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ठीक है, फॉर मूवमेंट ऑफ आयंस या हम बोले वाटर, ठीक है। उनको बैरियर है, एक रोक रही है, जिससे क्या हो, कोई भी चीज ऐसी अंदर ना जाए, वो सेल वॉल, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, एक स्पेसिफिक पाथवेज के थ्रू ही अंदर आए, तो ये काम करती है ये, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडार्क एंड एक्सार्क कंडीशंस, ठीक है, ये किसमें मिलेंगी, एंडार्क और एक्सार्क किसमें मिलती है, एंडार्क एक्सार्क जाइलम में, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि जाइलम कैसा है, ठीक है। एंडार्क पोजीशन जो होती है उसमें क्या होता है भाई, जाइलम बना, ठीक है, मान लो ये पूरा जाइलम था, ठीक है, एक तो होता है प्रोटोजाइलम जो प्राइमरी बनता है पहले,
प्राइमरी बनेगा, सबसे पहले बनेगा, उसके बाद होता है मेटाजाइलम जो बाद में बनेगा सेकेंडरी, ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी। प्रोटोजाइलम की पोजीशन के अकॉर्डिंग, दोनों को नहीं देखना है, एक ही देखनी है कि प्रोटोजाइलम की क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग एक्सार्क और एंडार्क बोलते हैं। अगर प्रोटोजाइलम कैसे अंदर है तो बोलेंगे एंडार्क, ठीक है, प्रोटोजाइलम बाहर है तो बोलेंगे एक्सार्क। एक्स एक्स मतलब एग्जिट हो गया ना, एंडार्क मतलब इंटीरियर, एंडार्क क्या होगा, अंदर की तरफ, ठीक है। तो प्रोटोजाइलम की देखनी है बस, दोनों को मत देखना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सिर्फ प्रोटोजाइलम की कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना है कि एंडार्क पोजीशन है या एंडार्क एक्सार्क है। प्रोटोजाइलम अंदर है तो एंडार्क है, प्रोटोजाइलम बाहर है तो एक्सार्क है, ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरा पॉइंट ये है कि एंडार्क किस में होता है, एंडार्क मिलता है स्टेम्स में, और एग्जैक्ट पोजीशन होती है रूट्स के अंदर, ठीक है। और ऐसे छोटा सा एक डायग्राम बना देना इनसाइड आउटसाइड लिख के, तो ये बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है भाई। दो पॉइंट है कि पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम, और दूसरा एंडार्क इन स्टेम्स, एग्जैक्ट इन रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिफाइन हाइपोगाइनस एंड पेरीगाइनस, ये किसका हो गया, मॉर्फोलॉजी का। हाइपोगाइनस, गाइनस का क्या मतलब है, गाइनस इज रिलेटेड टू फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट, प्लांट की बात नहीं है, सभी के अंदर फीमेल पार्ट से जो रिलेटेड चीजें हैं उसको हम गाइनी बोल देते हैं या गाइनस, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि हाइपोगाइनस और पेरीगाइनस में क्या डिफरेंस है। इसमें ये बताते हैं बेसिकली जो गाइनोशियम है, जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम क्या है, फीमेल पार्ट है ना प्लांट का, गाइनोशियम की पोजीशन कैसी है विद रेस्पेक्ट टू अदर फ्लोरल अपेंडेजेस, विद रेस्पेक्ट टू सेपल पेटल और क्या, एंड्रोशियम, ठीक है। चार चीजें होती है ना फ्लावर में, फीमेल पार्ट का पोजीशन क्या है, ठीक है। हाइपोगाइनस कंडीशन उसको बोलते हैं जिसमें क्या होती है, देखो हाइपो का मतलब वैसे तो हो गया लोअर, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट बोलेंगे इसको, ठीक है। हाइपोगाइनस यानी कि ओवरी तो सुपीरियर है, ठीक है। गाइनोशियम कैसी है, हायर पोजीशन पे है, हाइपो से लोअर मत लिख देना कि लोअर ओवरी, कैसी है, ओवरी हायर पोजीशन पे, और बाकी सब क्या है, अपेंडेजेस लोअर पोजीशन पे है, ठीक है, ऑपोजिट है, इसको ध्यान रखना। हाइपोगाइनस में ये नहीं लिख देना कि हाइपो लिखा है तो लोअर ओवरी होगी, ओवरी सुपीरियर है, यानी कि गाइनोशियम क्या है, जैसे एक फ्लावर है, मान लो ये फ्लावर था, ये पेटल हो गई, ये सेपल हो गई, और ये हो गया एंड्रोशियम, और ये हो गई ओवरी। तो ओवरी कैसी होगी, ओवरी बाकी तीन जो चीजें हैं सेपल पेटल और एंड्रोशियम उनसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगी, ठीक है, हायर पोजीशन पे होगी, बाकी सब नीचे होंगी। तो ये किस किस में मिलेगा, ये मिलेगा मस्टर्ड के अंदर, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है पेरीगाइनस, जिसमें क्या होगी, सारे ये जो चारों पोर्शन थे ये चारों पोर्शन इक्वल लेवल पे होंगे, तीन और चार, ये चारों कैसे होंगे, सेम ही लेवल पे होंगे। तो ऐसी कंडीशन किसमें है, रोज के अंदर। और गाइनोशियम क्या होती है, सेंटर में होती है, ठीक है। थर्ड पोय है हमारा एपीगाइनस, एपीगाइनस क्या है, ये उल्टा हो गया, उल्टा था ना, उसमें कैसी थी, सुपीरियर ओवरी थी, और इसमें कैसी होगी, इंफीरियर होगी ओवरी, ठीक है। तो मान लो ओवरी नीचे की तरफ है और बाकी एंड्रोशियम ऊपर है थोड़ा सा इससे, और पेटल भी ऊपर है और सेपल भी ऊपर है, पोजीशन थोड़ी सी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अलग निकल जाएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है कि कहाँ वो कनेक्टेड है चीजें, ठीक है। तो ओवरी कैसे होगी, थोड़ी सी लोअर पोजीशन में होगी, और बाकी चीजें कहाँ होंगी, ऊपर होंगी। तो ऐसी कंडीशन किसमें मिलती है, ग्वावा और कोकम्बर में, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, इसमें सिर्फ हाइपोगाइनस और पेरीगाइनस पूछ रहा है, ये एपीगाइनस एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ठीक है, तीन होते हैं क्योंकि, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। इस चैप्टर में तो एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स वैसे सब में ही जरूरी है, ठीक है। ये स्टार्टिंग के 5-6 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी, बाद में तो तुम सिस्टम्स वगैरह पढ़ोगे तो उनमें कोई एग्जाम्पल ऐसा छोटा नहीं है, ठीक है ना। चलो तो व्हाट इज प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन हम ये देखते हैं कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट क्या है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
ठीक है, जैसे कि ये मान लो डायग्राम आता है और आपको पूछ बताना है ये कौन सा है, ठीक है, इसको बोलेंगे मार्जिनल प्रेजेंटेशन। मार्जिनल क्यों? मटर मटर आपने देखी है, तभी तो रिविजन इज द की। इतना एग्जाम्पल्स याद रखने का यही तरीका है कि रिविजन आपको करना पड़ेगा। अभी तो एग्जाम आ गया तो जितना हो सकता है एक एक कर लो आप, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है या इनमें से देख लेना, लेकिन उसके बाद भाई एक एक चैप्टर उठाओ। और बेस्ट तरीका ये होता है कि भाई पेपर पे लिख लो अलग से। आप बुक में खोजने जाओगे ना रोज तो कुछ नहीं याद रहेगा। पेपर पे क्या करना है, इसके बाद नोट्स बनाओ, और जहां भी आप बैठ के पढ़ते हो ऐसे भी कर सकते हो आप। लेकिन पता है ट्रिक में भी क्या कंफ्यूजन होता है, जिसको सूट कर रहा है ट्रिक का मेथड वेल एंड गुड, लेकिन ट्रिक्स में भी क्या होता है, पता चला 100 ट्रिक बन गई तो आप 100 ट्रिक याद रखोगे या एग्जाम्पल ऐसे याद रख लो, ठीक है ना। उस ट्रिक में भी आपको पूरा पूरा तो नाम नहीं होता, कुछ ए लिख लिया, टी लिख लिया, तो ऐसे करते करते पता चला 100 ट्रिक बन गया। 100 ट्रिक कहाँ तक तुम याद रखोगे। बेस्ट तरीका जो करते हैं बच्चे मोस्टली, जहां भी तुम यार बैठ के पढ़ते हो ना, सामने कोई आसपास तुम्हारे वॉल है या कुछ भी है, एक एक पेज पर, सिंगल सिंगल पेज पे छोटे छोटे नोट्स बनाओ। ज्यादा बड़ा नहीं लेना चैप्टर, वो रजिस्टर नहीं चिपकाना है दीवार पे। नोट्स बनाओ वेल एंड गुड, लेकिन नोट्स में भी क्या है, पूरी कॉपी हो जाएगी, कॉपी हर जगह नहीं जा सकती साथ में। एक पेज लो, उस पे क्या करो, मॉर्फोलॉजी के चैप्टर के जैसे तुमने लिख लिया कि प्रेजेंटेशन का ही बात करते हैं हम, मार्जिनल उसका एग्जाम्पल, एक्साइल एग्जाम्पल, ऐसे बस एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखो, ठीक है। और उस पेज को ऐसी जगह चिपका लो जो तुम्हारी आंखों के सामने रहे, तुम चलते फिरते, हाँ स्टिकी नोट समझ लो, चलते फिरते तुम्हें अगर वो 10 दिन तुम लगातार देख लोगे ना, 11वें दिन तुम्हें वो चीज याद हो जाएगी, हमारी नजरों के सामने होनी चाहिए। फिर क्या हुआ भाई, ये वाला हमें याद हो गया, फिर तुमने उस पेपर को रिप्लेस कर दिया, तुमने दूसरा चिपका लिया। बायो याद करने का, एग्जाम्पल्स याद करने का सिर्फ यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आपकी आंखों के सामने होना चाहिए कि हमें क्या याद करना है, और आप चलते फिरते इनकॉन्शियसली भी आप उसको देखोगे ना। मान लो आप सोने जा रहे हो, आपने बस 2 मिनट देख लिया, काम हो गया, 5-6 दिन आपने लगातार देख लिया, बाद में आपको अपने आप याद रहेगा। फिर ये है कि थोड़े दिन आपने उसको नहीं देखा, फिर 1-2 हफ्ते बाद उसको रिवाइज कर लो, तो वो क्या होगा, सेट हो जाएगा आपके, ठीक है। एक बार में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये टफ जॉब है, लेकिन ऐसे जरूर हो जाएगा। आप 5-6 दिन लगातार देखो, फिर उसको छोड़ दो, फिर दूसरे पे आओ, फिर उसको पहले वाले को रिवाइज करो, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस में रिवाइज भी होता रहेगा और आपको याद हो जाएंगी चीजें। ऐसे बुक से कुछ नहीं होगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे और नोट्स के साथ साथ स्टिकी नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। अपना एक कॉर्नर पकड़ो घर में जहां भी तुम पढ़ते हो, और सामने लगा लो अपने। सब ऐसे ही करते कोचिंग वगैरह में भी, किसी को याद नहीं होता ऐसे, ठीक है ना। चलो तो हम क्या देख रहे थे, प्रेजेंटेशन के टाइप्स। पहला हो गया हमारा मार्जिनल। मार्जिनल किसमें मिल रहा है, पी में, ठीक है। आपने मटर देखी है ना, जैसे मटर में क्या होता है, साइड में ऐसे लगे होते हैं सब मटर के दाने, मार्जिन पे। मार्जिन क्या हो गया, जो उसका एक तरीके से पेरिफेरी वाला पोर्शन है जहां से मटर छिल रही है। तो ऐसे प्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रेजेंटेशन, ठीक है। टमाटर भी देखा है, टमाटर को हम सेंटर से काटते हैं या नींबू को काटते हैं, तो उसमें क्या देखते हो आप कि बीज ऐसे लगे होते हैं ना बीच बीच में, तो ऐसे प्रेजेंटेशन को कहते हैं एक्साइल, एक्सिस पे लगे हुए, सेंटर में लगे हुए एक तरीके से, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा पेराइटल, जिसमें क्या है, पेरिफेरी पे लगे हुए ऐसे। इसका एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड, ठीक है। पेराइटल प्रेजेंटेशन किसमें मिलेगा, मस्टर्ड में। डायग्राम्स याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्री सेंट्रल, जिसमें क्या है, कोई भी पार्टीशन नहीं है। यहाँ पे तो देखो पार्टीशन था 1 2 3, ठीक है ना। टोमेटो में होते हैं ना थोड़े से पार्टीशन, लेकिन इसमें कोई पार्टीशन नहीं है, और ओव्यूल्स कहाँ लगे हुए हैं, डायरेक्ट सेंटर में लगे हुए हैं, इसको बोल देते हैं फ्री सेंट्रल। ये प्रिमरोज में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बेसल प्रेजेंटेशन, जिसमें क्या है, ओव्यूल बेस से अटैच्ड है ओवरी के, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है मैरी गोल्ड, ठीक है। और बात करो तुम एग्जाम्पल्स याद रखने की, तो एग्जाम्पल्स वाले चैप्टर देखो, ये बस 3-4 ही तो है, चैप्टर नंबर 2 3 4 5, 4 ही चैप्टर है जिनमें एग्जाम्पल है। बाकी कहाँ है, बाकी तुम आगे फिजियोलॉजी पढ़ोगे, एनाटॉमी पढ़ोगे, सिस्टम्स पढ़ोगे, उनमें कोई एग्जाम्पल याद नहीं रखना है। इससे अलग सी बातें होती हैं, वो तुम अलग से देख सकते हो। क्लास 12th में भी कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपको मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस भी जो आते हैं ना, वो एग्जाम्पल से ही आते हैं। तो इन 4 चैप्टरों के लिए ये काम तुम कर लेना एग्जाम के बाद, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछ रहा है। ये भी मॉर्फोलॉजी नहीं, एनाटॉमी का है।
स्टोमेटल सेल्स क्या होती है, स्टोमेटा होते हैं ना, स्टोमेटा क्या करते हैं बेसिकली, आपको डायग्राम दिया हुआ है स्टोमेटा का, इसमें पूछ रहा है ये क्या है, ए स्ट्रक्चर क्या है हमारा स्टोमेटा में, क्या होती है गार्ड सेल्स होती है ना, गार्ड सेल्स ऐसे बीन शेप्ड सेल्स, गार्ड सेल्स कैसी होती है, बीन शेप्ड होती है। और अगर हम ग्रास में बात करें तो गार्ड सेल्स का क्या शेप होता है बताओ, गार्ड, हाँ ट्रांसपिरेशन में हेल्प कर रही है, क्या शेप होता है ग्रास में गार्ड सेल्स का, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है ना। हाँ मधु आपने सही लिखा है, लेकिन डंबल की स्पेलिंग ये नहीं होगी, ये तो स्टोमेटल गार्ड सेल्स का फंक्शन हो गया। गार्ड सेल्स क्या होती है, बीन शेप्ड होती है, ठीक है, और ये क्या करती है, रेगुलेट करती है ओपनिंग की, स्टोमेटा कब बंद होगा कब खुलेगा, ठीक है, कैसी होती है, हाँ सही निश्चय इज राइट, डंबल शेप्ड, ठीक है, डंबल शेप्ड होती है गार्ड सेल्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डंबल शेप्ड, ठीक है। हाँ स्पेलिंग याद रखो, ठीक है ना, देखो आंसर पता है लेकिन स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है चलो। तो ये रेगुलेट क्या करती है, ओपनिंग, और ये बीच में क्या है, ये पोर हो गया स्टोमेटा का, तो क्या करती है गार्ड सेल्स रेगुलेट करती है कि स्टोमेटा कब ओपन होगा और कब क्लोज होगा, ठीक है। दूसरी बात, करता क्या है स्टोमेटा, प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज में, जो भी गैस का वो होगा एक्सचेंज होगा एनवायरमेंट और प्लांट के बीच में, या ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या करते हैं हमारे स्टोमेटा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया एक, नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन एस्टिवेशन, ठीक है, एस्टिवेशन क्या है, जो छोटे छोटे टर्म्स है ना ये सब पता होना चाहिए, फाइलोटेक्सी एस्टिवेशन ये सब, ठीक है, और साथ में एग्जाम्पल देखो हर जगह चिपकेगा ही चिपकेगा, ठीक है। एस्टिवेशन किसे बोल रहे हैं कि फ्लोरल अरेंजमेंट में, अगर हम फ्लावर में देखें तो सेपल और पेटल का अरेंजमेंट कैसा है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, किसका, सेपल और पेटल फ्लावर्स में कैसे अरेंज है। तो हम देखें तो चार टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, एक होता है वेलवेट, जिसमें क्या होगा जो भी पत्तियां हैं फूल की वो एक के बाद एक ऐसे सर्कल में अरेंज होंगी, इसको हमने बोल दिया वेलवेट, ये क्या हो गया वेलवेट हो गया, एक के बाद एक मार्जिन क्या होंगे, एक के दूसरे से टच, दूसरे के तीसरे से टच, और पूरा एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। दूसरा होगा ट्विस्टेड, ट्विस्टेड में क्या होता है, एक पत्ती जैसे ये थी तो एक पत्ती दूसरी पत्ती को ओवरलैप करेगी, इसने ओवरलैप कर लिया ना इसके ऊपर आ गई, फिर इसका ये एंड दूसरा ओवरलैप करेगा, फिर तीसरी करेगी, फिर चौथी करेगी, ये इसके नीचे जाएगी, ठीक है। तो एक मार्जिन अंदर होगा और एक बाहर होगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्विस्टेड, ये हो गया सेकेंड वाला, एक लीफ का मार्जिन अंदर होगा और एक बाहर होगा, ठीक है। तीसरा हो गया इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट में क्या होगा, देखो एक तो पूरी अंदर है, ये वाली क्या है फर्स्ट वाली पूरी अंदर है, ठीक है, ये वाली क्या है सेकंड वाली पूरी बाहर है, ठीक है, ये दो साइड की कैसी है, एक अंदर और एक बाहर, ठीक है, और ये भी एक अंदर बाहर, तो एक पूरी अंदर है एक पूरी बाहर, और बाकी तीन कैसी है, बाकी तीन ट्विस्टेड है, ठीक है, इसको बोल देते हैं इम्ब्रिकेट। लेकिन जो इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है वैक्सिलरी, क्योंकि इसमें कुछ डिफरेंट पैटर्न है, इसमें क्या है एक सेपल तो बहुत बड़ी है ये वाली जो सबसे ऊपर बनी है वन नंबर पे, एक क्या है सबसे छोटी है जो सेकंड नंबर पे बनी है, और बीच में दो होती है उनको बोलते हैं विंग्स, ये अलग पोजीशन पे है, ठीक है, ये एक अलग अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे हमें देखना क्या है कि कौन सा किसमें, चाइना रोज की अगर हम बात करें तो इट्स ट्विस्टेड, ट्विस्टेड कौन सा था कि एक अंदर और एक बाहर मार्जिन, ठीक है। कैलोट्रॉपिस में कैसा है वेलवेट, वेलवेट कैसा था सिंपल सर्किल था, ठीक है। वैक्सिलरी किसमें, पी, ये वैक्सिलरी वाला इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि एक तो पी प्लांट ही इंपॉर्टेंट है, पूरी बॉटनी की अगर आप बात करो तो पी प्लांट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो जहां भी पी दिख रहे हैं वो सारे एग्जाम्पल याद कर लेना। और कौन सा एस्टिवेशन है इसमें, वेक्सिलरी, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जो ये शॉर्ट वाली है इसको बोलते हैं कील, और साइड में होते हैं ये विंग्स, और उसके ऊपर एक होती है स्टैंडर्ड, ये सबसे बड़ी वाली, ठीक है, तो ये इसका अरेंजमेंट हो गया। उसके बाद देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर एंड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक है। अगर हम फ्लावर की बात करें तो दो टाइप्स के फ्लावर हैं, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, ये किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि अगर हम फ्लावर को काटें, ठीक है, एक एक्सिस लें, हम उस एक्सिस से प्लांट को निकालें, ठीक है, मान लो ये फ्लावर था, ये फ्लावर था, हमने एक एक्सिस ड्रॉ करी,
तो अगर प्लांट जैसे हम एनिमल्स में भी देखते हैं ना रेडियल सिमेट्री, वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। सिमेट्री कैसी है, अगर हम फ्लावर को किसी भी लाइन से बीच में डिवाइड करें तो वो इक्वल अरेंजमेंट में, जैसे ये वाला फ्लावर था, हम इसको यहाँ से काट दें, यहाँ से काट दें, यहाँ से काट दें, तो क्या होगा, ये इक्वल सिमेट्री में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे फ्लावर को तो बोल रहे हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर या फिर रेडियली सिमेट्रल, किसी भी एक्सिस में काटेंगे तो वो इक्वल डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है जाइगोमॉर्फिक, ये होता है बाइलेटरल सिमेट्रल, इसको अगर इस एक्सिस से काटेंगे तभी ये इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, अगर हम इसको ऐसे काट दें तो ये इक्वल नहीं होगा, दो ऊपर चली जाएंगी, तीन नीचे आ जाएंगी, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में भी है, हम अगर सिर्फ एक ऐसे लाइन से डिवाइड करें तो वो क्या होगा, दो लेटरल पार्ट में इक्वली डिवाइड होगी, ठीक है, और किसी तरीके से नहीं हो सकती ना। ये किसका है, ये मॉर्फोलॉजी का है, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक कौन से हैं, रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है, और जाइगोमॉर्फिक कौन से, बाइलेटरल सिमेट्रिकल फ्लावर्स। अब देखो यहाँ पे किसका, जाइगोमॉर्फिक में क्या है, पी पी वाले और मस्टर्ड वाले जो भी हैं वो सारे याद होने चाहिए। पी का तो तुम अलग से लिख लेना चाहे कि पी में एस्टिवेशन ऐसा है, फ्लावर का अरेंजमेंट ऐसा है, और जो ओवरी कैसी है, हाइपोगाइनस पेरिगाइनस, जो भी पी का एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में दिया है वो ध्यान रखना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड या फिर चिली, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या डिफरेंस है। मोनोकॉट की अगर हम बात करें तो सिंगल कॉटिलेडन होता है, ये पता है हमें, और ये इसमें कहते होते हैं डाइकॉट में टू कॉटिलेडन होते हैं, ठीक है। रेसमोस और साइमोस इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, किसी स्टेम पे फ्लावर्स कैसे अरेंज है। पहले हमने देखा था फाइलोटेक्सी की लीव्स कैसी अरेंजमेंट है, अगर हम फ्लावर का अरेंजमेंट देखें तो उसको बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। अब यहां देखो रेसमोस क्या होता है, उसमें जैसे ये स्टेम बढ़ रही थी, ये स्टेम थी, प्लांट धीरे धीरे क्या हो रहा था, ग्रो हो रहा था, तो एक फ्लावर यहां निकल गया, ठीक है, फिर प्लांट और ग्रो करा, दूसरा यहां निकल गया, फिर तीसरा बड यहां निकल गया, तो ये क्या हो रहा है, ऊपर जैसे जैसे प्लांट बढ़ रहा है वैसे वैसे न्यू फ्लावर निकलता जा रहा है। तो सबसे न्यू फ्लावर कहाँ होगा, सबसे न्यू फ्लावर टिप पर था, और ओल्ड फ्लावर कहाँ रह गया, नीचे रह गया। तो ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्रोपेटल, जिसमें क्या होता है, यंग फ्लावर तो टिप पे होता है और ओल्ड फ्लावर कहाँ होता है, बेस में होता है, नीचे होता है, एक्रोपेटल या फिर रेसमॉस, ठीक है। रेसमॉस इनफ्लोरेसेंस बोलेंगे, एक्रोपेटल अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का, ठीक है। अगर हम साइमोस इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो इसमें ऑपोजिट होगा, इसमें जैसे स्टेम बढ़ रही है तो ओल्ड फ्लावर सबसे टिप पर निकलेगा और लेटरल ब्रांचेस पे यंग फ्लावर निकलेंगे, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, स्टेम बढ़ती जा रही थी, साइड में निकल रहे थे न्यू फ्लावर्स, लेकिन इसमें क्या होगा, ओल्ड फ्लावर सबसे ऊपर टिप पे निकलेगा और यंग फ्लावर्स क्या होंगे, लेटरल ब्रांचेस पे निकलेंगे। यंग कहाँ है, बेस पे, ओल्ड है टिप पे, इसमें उल्टा था, ओल्ड था बेस पर और यंग कहाँ था, टिप पर। तो यंग के बेसिस पे आपको याद रखना है। हाँ, साइमोस पे लिमिटेड ग्रोथ इसलिए क्योंकि जो उसकी टिप थी वहीं पे फ्लावर निकल गया, उसके बाद तो कोई ग्रोथ होगी ही नहीं, उसमें क्या होंगी, बाद में सब लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी, ठीक है, एक लिमिटेड ग्रोथ है उसकी। नेक्स्ट देखते हैं, जस्टिफाई द स्टेटमेंट पोटैटो इज द स्टेम। ये क्वेश्चन इजी है और ये आ भी सकता है, ठीक है। पोटैटो क्या है, एक स्टेम मॉडिफिकेशन है, और स्वीट पोटैटो क्या है, एक रूट का मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना। पोटैटो स्टेम को क्या बोलते हैं, पोटैटो का ट्यूबर, पोटैटो को ट्यूबर बोलते हैं ना, क्योंकि क्या हो रहा है, स्टेम क्या है, अंडरग्राउंड जो पोर्शन है स्टेम का वो मॉडिफाई हो रहा है, और वो क्या स्टोर कर रहा है, वो फूड का स्टोरेज कर रहा है। अब फूड का स्टोरेज वो क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर आप आलू को देखो तो जैसे हम फंगस में देखते थे या बैक्टीरिया में देखते थे ना कि स्पोर बना लेते थे, वो एंडोस्पोर बनाते थे, किस लिए, सर्वाइवल के लिए, ऐसे ही यहाँ पे पोटैटो का फॉर्मेशन भी एक पेरिनेशन का मोड है, सर्वाइवल की एक टेक्निक बोल सकते हो, क्योंकि देखो बाद में क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन होती है या आलू जिस भी मौसम में होता है वो वाला मौसम अगर चल रहा है और तुम्हारे घर में आलू रखता है तो उस पर क्या होगा, नया प्लांट निकलने लगता है ना आई से, बर्ड से। तो ये तरीका क्या है, ये एक तरीके से पेरिनेशन का मोड है, ठीक है। और फूड इसीलिए स्टोर हो रहा है क्योंकि नए प्लांट को क्या चाहिए, नए प्लांट को फूड चाहिए। मॉडिफिकेशन मतलब स्टेम तो भाई ऊपर निकलती है ना, स्टेम पे क्या होती है, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेम क्या हो रही है, मॉडिफाई हो रही है, चेंज होकर क्या कर रही है, फूड स्टोर कर रही है, ये है ना। हाँ, पोटैटो किसका है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है,
और स्वीट पोटैटो रूट का है, रूट में भी क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट होती है ये, ठीक है। तीन टाइप की रूट थी ना, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट, यही थी ना। तो इसमें जो मेन एडवेंटिशियस रूट होती है उससे बनता है स्वीट पोटैटो। और ये भी क्या करते हैं, दोनों फूड ही स्टोर कर रहे हैं, लेकिन ये स्टेम है और ये रूट है, और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्वेश्चन, ठीक है। डिलीटेड है तो मत पढ़ना, कोई बात नहीं। चलो उसके बाद देखते हैं वेरियस स्टेम मॉडिफिकेशंस क्या है। स्टेम में कई सारे मॉडिफिकेशंस है ना, तो क्या क्या है, पहला हो गया जैसे स्टोरेज का पर्पस। स्टेम क्या कर रही है, स्टोरेज में हेल्प करती है। जैसे हमने देखा पोटैटो का ट्यूबर, या फिर जिंजर का क्या बनता है, राइजोम बनता है, ठीक है। सपोर्ट में हेल्प करती है, कैसे, स्टेम के टेंड्रिल्स भी बनते हैं, जैसे हमने ग्रेप्स में देखा और वाइन में, जैसे ये हो गए टेंड्रिल्स। और ये क्या है, ये ट्यूबर बन गया पोटैटो का, ठीक है, इसको बोल देंगे राइजोम। और ये होता है कॉर्न, कॉर्न ही होता है आई थिंक ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोटेक्शन की बात करें, स्टेम कैसे प्रोटेक्ट कर रही है जब वो मॉडिफाई हो रही है स्पाइन्स में। कैक्टस में क्या होता है, मॉडिफाई होकर स्टेम क्या बना रही है, स्पाइन बना रही है और थॉर्न्स बना रही है। ऐसा एग्जाम्पल किसमें है, बोगनवेलिया में, ठीक है। स्प्रेड और प्रोपोगेशन में, यानी कि न्यू प्लांट के जनरेशन में भी स्टेम हेल्प कर रही है। कौन सा एग्जाम्पल है, ऑक्सेलेस, ठीक है। फिफ्थ हो गया फूड का प्रोडक्शन, फूड का प्रोडक्शन किसमें, ओपुंचिया में। ओपुंचिया में हमने देखा था कि फ्लैट स्ट्रक्चर हो जाता है, स्टेम कैसी हो जाती है, फ्लैट स्ट्रक्चर बनाती है और उससे क्या करती है, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये कैसा हो जाएगा, ग्रीन स्टेम हो जाएगा, ग्रीन फ्लैट स्ट्रक्चर, ठीक है, करेगी फोटोसिंथेसिस करेगी और फूड का प्रोडक्शन करेगा। तो ये चार पांच मॉडिफिकेशन किसके हो गए, स्टेम के। मॉडिफिकेशन फिर से आ नहीं रहा क्या, ये भी डिलीटेड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेबल द डायग्राम। ये किसका डायग्राम है, डाइकॉट सीड का। अच्छा आ नहीं रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, ठीक है। डाइकॉट सीड तो आ रहा है, इसमें ये क्या पोर्शन है, ए वाला क्या है, प्लीम्यूल, जिससे क्या बनेगा, फ्यूचर में शूट बनेगी। बी पोर्शन क्या है, ये नीचे वाला रूट, ठीक है, इससे क्या बनेगा, रेडिकल से रूट बनेगी, ठीक है। साइड में दो क्या है हमारे, कॉटिलेडन्स हैं, ये दो बड़े बड़े, ठीक है। और ये कवरिंग किसकी है, सीड कोट की। तो ये पूछ रहे हैं सीड कोट का सिग्निफिकेंस क्या है, फंक्शन क्या है। सीड कोट बेसिकली क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, प्रोटेक्शन तो करेगी करेगी, ठीक है ना, क्या करेगी, प्रोटेक्शन करेगी, ठीक है। और दो पार्ट होते हैं, आउटर लेयर टेस्टा और इनर लेयर इज टेगमेन, ये एक्स्ट्रा है। तो मैं ये बेसिकली लिख रहा है प्रोटेक्शन करेगी, आउटर कवरिंग है, ठीक है। उसके बाद मेरिस्टेम्स, व्हाट इज मेरिस्टेम, व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं आ रहा ना, शायद आ रहा, नहीं आ रहा, बोलो भाई। मेरिस्टेम हमने पीछे डिस्कस करा था, मेरिस्टेम क्या है, स्पेशल रीजन है जहां पे क्या होता है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। नहीं आ रहा ना तो छोड़ दो, ये पैदल पीछे बता दिया, ठीक है। ये देख लो, ये तो आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कैसे, मान लो आपको डायग्राम दिया हुआ है तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि कौन सा मोनोकॉट स्टेम है और कौन सा डाइकॉट स्टेम है। तो डाइकॉट स्टेम में अगर हम देखें तो वस्कुलर बंडल्स कैसे अरेंज होते हैं, इन अ रिंग फॉर्म, ये दिख रहे हैं, एक रिंग बना रहे हैं ना, ये सारे सर्कल बना रहे हैं एक। तो ये क्या है, ये करेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकॉट स्टेम का, कि वस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, रिंग में अरेंज होते हैं, करेक्टरिस्टिक फीचर है। और मोनोकॉट में अगर हम देखें तो वस्कुलर बंडल कैसे हैं, एक यहाँ एक यहाँ स्कैटर्ड, ठीक है, उसमें रिंग और मोनोकॉट में स्कैटर्ड। हाँ ये डाइकॉट है, लिखा हुआ भी होगा डाइकॉट, और ये क्या है मोनोकॉट, स्कैटर्ड, इसमें स्कैटर्ड होंगे और इसमें कैसे हैं, रिंग में, ठीक है। ये इसका स्पेशल फीचर है डाइकॉट स्टेम का, ठीक है। उसके बाद ये देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा, ठीक है, ये आ सकता है अगर टिश्यूज का क्वेश्चन आएगा, ये स्क्लेरेन्काइमा एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तुम पैरेन्काइमा देखो। पैरेन्काइमा सेल्स कैसी होती है, थोड़ी स्फेरिकल और ओवल शेप की होती है, हमेशा कैसी होंगी, थिन वॉल्ड होंगी, क्योंकि ये एक्टिवली स्टोरेज वगैरह में, सिक्रीशन में इन्वॉल्व होती है, लिविंग होगी, मेटाबोलाइजिंग टिश्यू है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में कैसा होता है, हाई होता है, क्योंकि ये डिवाइड भी होती है, ठीक है, इनमें एक्टिव सिक्रीशन होगा, स्टोरेज होगा, फोटोसिंथेसिस भी करती है, ठीक है, थ्रू आउट द प्लांट होंगी, लिविंग होती है हमेशा। कोलेनकाइमा में क्या होती है, ये बाद में क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, इनमें क्या होती है, कवरिंग होती है, थिक सेल्स होती है थोड़ी सी, जैसे ये बनी है इधर, ऐसे क्या होगी,
थिक सेल्स होती हैं थोड़ी, इनकी जो आउटर वो होते हैं कॉर्नर्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है हार्ड मटेरियल की कवरिंग होगी, हार्ड मटेरियल की कोटिंग होगी, ठीक है। डिपॉजिशन किसका हार्ड मटेरियल का, सेलुलोज, पेक्टिन और हेमी सेलुलोज। तो ये क्या करती है, जैसे स्टेम के अंदर कॉलेनकाइमा है तो क्या करेगी वो, जब जैसे प्लांट मूव करता है तो प्लांट को ब्रेक होने से बचाएगी। मान लो तेज हवा चल रही है तो प्लांट ऐसे हिलता रहेगा, ठीक है ना, ऐसे टूटना नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं होगा। तो उस केस में क्या होता है, वो कॉलेनकाइमा होती है जो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रही है ना, तो वो हार्ड बना रही है, बहुत रिजिड भी नहीं बना रही और सॉफ्ट भी नहीं छोड़ रही, उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। और ये बेसिकली किसमें हेल्प करती है, पैरेन्काइमा में फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और रीजनरेशन में, ठीक है। फ्लोरल फॉर्मूला तो आ ही नहीं रहा, अच्छा कॉलेनकाइमा भी नहीं आ रहा, तो छोड़ दो कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, हमारे हिसाब से तो सब आ रहा है क्योंकि हमें तो नीट का पढ़ा रहे हैं ना, समझ आया। पोटैटो फैमिली वगैरह मेरे हिसाब से नहीं आ रहे हैं, सोलेनेसी की बात कर रहे हो आप, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर देख, नेक्स्ट चैप्टर नहीं मतलब ये देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि कल तुम्हारा क्या है, कल तुम्हारा एग्जाम है, कल नहीं मतलब परसों, कल तुम्हारा क्या है, लास्ट डे है, ठीक है। ये मैं कल बताऊं चलेगा, कल डिस्कस करते हैं, कल हम फ्रॉग करेंगे, सेल करेंगे और सोलेनेसी, क्योंकि मुझे लगा था सोलेनेसी नहीं आ रहा है तो इस स्लाइड में है ही नहीं, ठीक है। कल हम क्लास में पहले सोलेनेसी कर लेंगे, उसके बाद बाकी देखेंगे आगे का। अब तुम्हारा कल का दिन बचा है ना सिर्फ, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो, चैप्टर 7 और 8 के भी तुम्हें टाइम मिलेगा तो ये फटाफट रिवाइज कर लेना, ठीक है। बाकी तो हम कल क्लास में करेंगे ही करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। जैसे कि मेल और फीमेल फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे, लेकिन क्लास से पहले तुम देखना चाहो तो ये चीजें देख लेना एक बार, ठीक है। हाँ तो चैप्टर 8 इज इम्पोर्टेंट ना, चैप्टर इज इम्पोर्टेंट। मैं अभी माइक ऑन, एक सेकंड रुक जाओ पहले देख लो, ठीक है। फ्रॉग हो गया, रेस्पायरेशन फ्रॉग में क्या है, क्या सिस्टम है, ठीक है। दूसरी बात, सेल इज इम्पोर्टेंट, मुझे लगता है सबसे ज्यादा सेल में से ही आएगा क्योंकि सेल एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये इसके बाद सेंड करूंगी मैं। इसमें देख लो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल देख लो, क्योंकि सिर्फ कल का दिन है और कल क्लास कब होगी, रात को होगी, तो पूरा दिन क्या करोगे, ये वाले टॉपिक्स देख लेना, फ्लूइड मोजाइक मॉडल का कॉम्पोजिशन और साथ में डायग्राम, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम और उसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, ठीक है। राइबोसोम 70S 80S दोनों की यूनिट्स, ठीक है, इसमें कौन सी थी 50A और 30, इसमें कौन सी थी 60 और 40, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। गॉल्गी बॉडीज के फंक्शन क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 4 टाइप के क्रोमोसोम थे ना, ऑन द बेसिस ऑफ किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है, तो वो देख लेना विद डायग्राम। मीजोसोम्स का फंक्शन, मीजोसोम्स क्या है, उनका फंक्शन क्या है, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस, ठीक है, और बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है उसके क्या पार्ट्स थे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इनको तुम अच्छे से देख लेना और बाकी जो बताए वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। गॉट इट, समझ आया, एंड करें सेशन, और जो PDF आप बोल रहे हो ना वो इस क्लास के बाद मैं अभी सेंड कर दूंगी, ठीक है, मेरी अब दूसरी क्लास भी है क्योंकि, ठीक है ना। बाकी मैंने ग्रुप्स लिख लिए हैं, जिनमें नहीं आया मैं एक बार दोबारा चेक कर लूंगी और उसमें भी आ जाएगा, वैसे बेटा सब में सेंड करा है, ठीक है ना, सही है, बढ़िया। मिले ब्रेक के बाद, तब तक तुम्हें जो मैंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए ना इनको देख लेना, क्योंकि कल का